他这没干好。न जाने कहां चली गई। मैं कौन हूं? मेरी बेटी शील। फिर वही? अच्छा बाबा बेटा शील, ये हुई ना बात। इतनी बड़ी हो गई मगर हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी। रवि देखेगा तो क्या कहेगा? रवि? कौन रवि? मेरे पुराने दोस्त का लड़का है। उसके पिता का खत अभी आया है कि वो आज 11 बजे की गाड़ी से आ रहा है तुझे देखने के लिए। देखिए पिताजी, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी, यही ना? लेकिन बेटी, बूढ़े बाप के सर से कब तक ये बोझ ना उतरने दोगी? ये तो हमारी खुशनसीबी है कि ऐसा रिश्ता मिल रहा है। लड़के वाले खुद हमारी तरह रिफ्यूजी हैं और हमारी मजबूरियों को समझते हैं, इसलिए दहेज की भी कोई शर्त नहीं। तुम्हारी तरह उस बेचारे की भी माँ नहीं है। घर की देखभाल और अपने बाप की सेवा के लिए लड़का शादी में देर भी नहीं करना चाहता। अच्छा जी, उसको अपने बाप की सेवा का इतना ख्याल है और मुझे अपने बाप का कोई ख्याल नहीं? उसको स्टेशन पर ही कहला भेजिए कि अपने बाप की सेवा के लिए कोई नौकर रख ले। हाँ, क्या कहती हूँ शील बेटा? जरा सोचिए पिताजी, आप अक्सर बीमार रहते हैं, अचानक दौरा पड़ जाता है तो मैं संभाल लेती हूँ। मैं नहीं रहूंगी तो कौन आपको वक्त पर दवाई खिलाएगा, खाना खिलाएगा? मेरे होते हुए आपको कोई चिंता नहीं लगेगी? अरे पगली, मेरी सबसे बड़ी चिंता तो तुम हो, सिर्फ तुम। जिस दिन तुम्हारे हाथ पीले हो गए, देख लेना मैं बगैर दवा के ही अच्छा हो जाऊंगा। लेकिन पिताजी। खिलाना राम, खिलाना राम। आया डॉक्टर साहब। दो खुराक लीजिए, 209 पैसे। कंपाउंडर जी, दवा मीठी तो है ना? मीठी? व्हाट डू यू मीन? ये डिस्पेंसरी है, हलवाई की दुकान नहीं। खिलाना राम। कमिंग सर। कंपाउंडर जी, दवाई पीने का समय? एक खुराक सुबह जागने से पहले, एक खुराक रात को सोने के बाद, अंडरस्टैंड? है? मैं आई कमिंग सर। इतनी देर से तुम क्या कर रहे हैं? मरीजों को खत्म कर रहा था। क्या जी? मेरा मतलब है मरीजों की बीमारियों को खत्म कर रहा था, डिजीज नॉट मरीज। सचमुच खिलौना हो। थैंक यू। सुनो, अभी स्टेशन पर जाओ, इसी गाड़ी से एक लड़का आ रहा है अपने शील को देखने के लिए, उसको लेके आओ। वेरी गुड खबर जी, इसलिए कि मैंने उस लड़के का मुंह नहीं देखा, कम से कम उसका हुलिया तो बता दीजिए। ओ, आई विल नोट। मैं खुशी में ये बताना तो भूल ही गया था भाई, उसे देखे तो मुझे भी मुद्दत हो गई है। वैसे लड़के का नाम रवि है, वो लखनऊ से आ रहा है, नौजवान है, खूबसूरत है, बस यूं समझो हजारों में एक। जी समझ गया, जैसे चांद सितारों में एक। बस तुम पहचान लोगे, मगर वक्त पे पहुंच जाना, गाड़ी पूरे 11 बजे आ जाती है और रवि पहली बार आ रहा है यहाँ। भगवान ने चाहा तो दूसरी बार आने का नाम ही नहीं लेगा। साक्षात्कार। रवि नहीं आ रहा, न जाने क्यों, बंद के काम में अड़चन आ जाती है। कमाल है, शिकार नजर ही नहीं आता। कोई नौजवान है तो खूबसूरत नहीं, कोई खूबसूरत है तो नौजवान नहीं, और अगर नौजवान खूबसूरत दोनों है यानी कि मेरी तरह, तो उसका नाम रवि नहीं। स्मॉल इंजेक्शन, डेट रिएक्शन। आपकी तारीफ? आपकी तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है और मेरी प्रशंसा के लिए इनके पास शब्द नहीं है। आप लखनऊ से आए हैं ना? जी। ओह वेरी गुड। वन मिनट, लेट मी सी माय डायरी। आप नौजवान है ना? है। आप खूबसूरत है ना? जी। आप शर्माइए मत, शीशा देख के बताइए। हैव अ लुक। अजी देखना क्या, नजर अपनी अपनी, पसंद अपनी अपनी। क्यों मिस्टर? बांसीलाल प्रेमी।
खूबसूरत है। यस, आपका नाम रवि है ना? है। मार इंजेक्शन। डेड रिएक्शन। मगर बात क्या है, आप लोगों को मुझसे क्या मतलब? अजी, मतलब के बगैर तो आज का जमाना आंख उठाकर भी नहीं देखता किसी की तरफ। हम तो इतनी दूर से चलकर आए हैं आपके स्वागत के लिए। स्वागत? जी हाँ पाशाओ, आपका ऐसा स्वागत होगा कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। वेरी फाइन मौसम, वेरी गुड। आइए आइए। अरे आप लोग मुझे किधर ले जा रहे हैं? लाइए मेरा सूटकेस। केस का फैसला हो जाए तो सूटकेस भी मिल जाएगा। केस? कैसा केस? देखिए मिस्टर रवि, आप खूबसूरत जरूर हैं मगर उसके लायक नहीं। किसके लायक? डॉक्टर मेहता की लड़की शील की, जिसके लिए आप ट्रेन से आया, हम प्लेन से आया। शील? क्यों, नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आया? देखो मिस्टर, तुम एक छोड़ हजार लड़की को पसंद करो, भगवान कसम हमें कोई इतराज नहीं, मगर हमारी शील की तरफ कोई आंख भी उठाकर देखा तो हम उसकी आंख निकाल लेंगे। नहीं नहीं बाकी लाल जी, जो बीमारी इंजेक्शन से दूर हो जाए उसके लिए ऑपरेशन क्यों किया जाए? भला आप ही बताइए, एक बोतल में दो बीमारियों के मिक्सचर आ सकते हैं क्या? जी नहीं। करेक्ट। तो आप फॉरन से टेस्ट करवा का टिकट कटवाइए। ये सब क्या बकवास है? आप है कौन? दूसरा मिक्सचर। दूसरा मिक्सचर? देखो मिस्टर, तुम भी नौजवान, हम भी नौजवान, तुम भी शादी करना मांगते हो, हम भी शादी करना मांगते हैं, मगर तुमको लड़की पसंद करना है, हम लड़की पसंद कर चुका, उस जालिम को पहले ही नजर में अपना दिल दे चुका, और वो भी दो चार दिनों में अपना दिल इनको देने वाली है। लेकिन मैं पूछता हूँ। पूछिए बाद में, पहले सुनिए। अगर तुमने हमारे दरमियान दीवार बनने की कोशिश की तो भगवान कसम एक ही ठोकर में गिरा दिए जाओगे। खैरियत इसी में है कि उसका ख्याल छोड़ के फौरन यहाँ से चले जाओ, और टिकट ना भी मिले तो फोकट में चले जाओ। वरना खून की नदियाँ बह जाएंगी, चाकू छुरियाँ चल जाएंगी। अबे जा, मर गए चाकू छुरियाँ चलाने वाले। तुमने मुझे बुजदिल समझा है क्या? अब अगर शील को नहीं देखना था तो भी देखूंगा, आज ही देखूंगा, अभी देखूंगा। अरे अभी कैसा वापस चला जाओ? नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं। देखो मैं बहुत बुरा आदमी हूँ? मैं भी कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ। समझा? शांति शांति शांति, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, ये तुमसे ज्यादा बदमाश है। होगा, तुम शायद बांकी लाल प्रेमी के गुस्से को नहीं जानते। जानता हूँ। मुझसे टक्कर लेने का नतीजा जानते हो? जानता हूँ। ना जानते हो? जानता हूँ। जानता है। वेरी गुड। तो फिर अरे कहाँ चली गई थी तू? जी पिताजी, मैं वो जरा मेहमान के खाते दरवाजे के इंतजाम के लिए गई थी। अब रहना तो, मेहमान का तार आ गया, वो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? तो वो कौन था? वो कौन? जी वो जो आने वाला था। अरे उसी की तो बात कर रहा हूँ, वो अब नहीं आएगा, उसका बाप अचानक बीमार हो गया बेचारा, और वो कमबख्त खिलौना रहा हूँ, अभी तक वापस नहीं आया, स्टेशन पर ही जाके बैठ गया। बेटा जरा तुम ही तकलीफ करो, ये दवाइयाँ बड़ी हवेली वालों के हाथ पहुँचाओ। जी, ये मालिश की और ये पीने की, गर्म पानी के साथ। मर गए, मारोगे नहीं तो और क्या होगा बेटा, दूसरे की लड़की को छेड़ोगे ना तो यही अंजाम होगा। क्या बात करते हो यार, छेड़ना तो दूर रहा, तुम्हारी कसम मैंने उस लड़की को देखा तक नहीं। ये चकमा किसी और को देना, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं वकालत पढ़ा हूँ। अबे वकील की दुम, तू क्या समझता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? बेटा अगर तुम सच्चे हो तो फिर केस क्यों नहीं कर देते उस बांकेलाल एंड कंपनी पर? नहीं, अरे केस क्या, जरा तबीयत ठीक होने की देर है, मैं खुद ही एक एक से समझ लूंगा। जरूर समझोगे। इतना जुकाम शिखर, तुम कब आया बेटा? जीती रहा। अभी आया। कैसे हो सीमा? अच्छा, अरे ठीक से उठे बेटा। और शिखर, घर में सब कुशल तो है ना? तुम तो जानती हो माता जी, यहाँ तो जोरू न जाता अल्लाह मियां से नाता वाली बात है। मैं कुशल से हूँ तो सब कुशल ही कुशल है। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? मुझ में कौन सी खूबी है, कौन देगा मुझे लड़की? नहीं, वैसे बात तो तुम ठीक करती। अरे तो रहने दे, जैसा लायक लड़का आसानी से मिलता कहाँ है। सच कहती हूँ बेटा, मैं तुझे गैर नहीं समझती, मेरी तो यही एक इच्छा है कि तुम तीनों की शादी मैं अपनी आंखों से देखूं। लो एक ना तो माता जी ने एक ही साथ में पूरी तीन शादियां कर डाली। अच्छा माँ मैं चलूं, मुझे देर हो रही है, पढ़ने का बहुत शौक है,
छुट्टी के दिन भी सहेली के यहाँ पढ़ने जाती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा माता जी, अब मुझे भी जा दीजिए, गाड़ी का वक्त हो गया। फिर कब आओगे? अब तो वकील बनकर ही आऊंगा अगले साल। वकील बनने के बाद कहीं जज बनने की शर्त न लगा देना शादी के लिए। अच्छा मैं जी सर, मुझे लड़का बहुत पसंद है। भगवान ने चाहा तो सीमा की डोली शेखर के घर ही जाएगी। अरे कंटोक क्यों उतार दिया? मैं ठीक से ले ले। मैं ठीक हूँ जी। सुनिए, डॉक्टर साहब ने ये दवा भेजी है। तू डॉक्टर मेहता के लड़के है ना? जी। मगर ये किस, देखिए ये मालिश की दवा पीने के लिए और पीने की दवा मालिश के लिए। क्या कहा? मेरा मतलब है ये मालिश के लिए, ये पीने के लिए गर्म पानी के साथ। नमस्ते। सुनो, अब आई हो तो तुम ही दवाई देती जाओ। सुना है पराए हाथों से जल्द फायदा होता है। लो मैं गर्म पानी लाती। सुनिए, आपका नाम शील है ना? बेशक, वाकई चल सकती हैं चाकू छुरिया। क्या कह रहे हैं आप? जी मैं नहीं, ये आपका बांकेलाल प्रेमी कह रहा था। कौन बांकेलाल प्रेमी? मेरा उससे क्या वास्ता? जो एक प्रेमी से हो सकता है। नहीं, मैं किसी बांकेलाल को नहीं जानती। कमाल है, आप उसे जानती तक नहीं और उसने मुझे आपका उम्मीदवार समझकर बिस्तर दिखा दिया। चलिए एक हिसाब से अच्छा ही हुआ, किसी बहाने आपके दर्शन तो हो गए। वैसे सच पूछिए तो मैं बांकेलाल की पसंद की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। जी जी हाँ, वैसे आपकी नजर भी बुरी जगह नहीं पड़ी। आदमी बांकेलाल भी बहुत नमकीन है। जालिम कहीं लड़की होता तो किसी का दिल भी शादी के लिए मचल सकता था। आप अपनी कहे जाएंगे या मेरी भी सुनेंगे? नहीं कहिए। सॉरी, मेरा किसी बांकेलाल से कोई वास्ता नहीं। वो झूठा है, एकदम झूठा है, समझे? सीमा, मेरे ख्वाबो ख्याल में भी ये बात नहीं थी कि तुम मुझे उसके छा जाओ। तुम्हारी कसम, अब तो तुम्हारी जुदाई एक मिनट के लिए भी गवारा नहीं होती। इसीलिए आज 15 मिनट लेट आए हैं। भाई इसमें मेरा नहीं, इसका कसूर है। इसकी तबीयत आजकल कुछ नासाज रहने लगी है। तो नई घड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? हजी आप घड़ी के लिए फरमाती हैं, यहाँ तो पानी का घड़ा तक नहीं खरीद सकते जो पिछले महीने टूट गया था। क्यों, सारी तनख्वाह कहाँ जाती है? क्या बताऊँ, अपने से यार दोस्तों की तकलीफ नहीं देती। बाकी तुम रखो। थैंक यू। कहाँ रुके थे? वो बेरा जरा थैंक यू कर रहा था। तुमने उसे 5 रुपए टिप दी? फिर क्या हुआ, इन गरीबों की कौन सी मिले चलती है? हम इन लोगों की बख्शीश पे तो जिंदा है। बंसरी, क्या आप फिर बाहर जाने का इरादा है? नहीं तो। फिर काहे के लिए बन समर रही है? क्यों जी, क्या घर में बन समर के रहना पाप है? ये पाप कुन मैं नहीं जानता, तू फिर कान खोल कर सुन ले। अगर तूने घर से बाहर पांव रखा या किसी मर्द से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाय भैया, तो क्या आपसे भी बात नहीं करूँ? पगली, इनसे बात नहीं करेगी तो किससे करेगी? इनके उपकार का बदला तू जन्म जन्म नहीं चुका सकती। इन्होंने तो तुझ जैसी यतीम को सहारा दिया, पाला पोसा, दूध मलाई खिला खिला कर जवान किया। ये तो तेरे बाप के बराबर है। बाप के बाप, बाप की बच्ची, बाप होगा तेरा बाप? एक लड़की के दो बाप कैसे हो सकते हैं? उल्टी सीधी बात सिखाती है मासूम बच्ची को। चल रहा हो यहाँ से, निकल। लेकिन लाला जी, अरे तू किसी भले घर में नौकरी करने के लायक नहीं है। खबरदार जो कभी इस घर में पांव रखा, निकल यहाँ से। सुसरी को बात करने की तमीज नहीं है। आधा सेठ पोटेशियम साइनाइड मिस्टर पोपटलाल की माता जी के लिए। वेरी गुड। कौन है? ओहो, बंसरी।
جائے بنسری والے کی، ویری کائنڈ آف یو بنسری، آج درشن دینے میں سو لیٹ؟ بس آج کر لو جی بھر کے درشن. کیوں، کیا بات ہے؟ یہاں آنے کے لیے ہر درد کا بہانہ ختم ہو چکا ہے. آنکھ درد، ناک درد، دانت درد، کان درد، سر درد. لیکن ایک درد بھول گئی ہو، ابھی دل کے درد کا بہانہ تو باقی ہے. دل کا درد؟ یس. لالا کو اگر اس درد کا پتہ چل گیا تو ہم دونوں کو اتنا پیٹے گا، اتنا پیٹے گا کہ سارا جسم درد کرنے لگے گا. لالا لالا لالا، جب دیکھو یہ لالا، آخر یہ لالا ہے کیا بلا؟ ایک بار ملاؤ تو صحیح، میں اسے نہیں ملو تو اپنی کے روپ میں بھینسا ہے بھینسا. یہ بات ہے تو نہیں ملتے جاؤ. کہتا تھا بنسری گھر سے باہر قدم رکھا تو ٹانگے توڑ دوں گا. ٹانگے؟ ٹانگے توڑ دوں گا؟ شاید اس کمبخت کو معلوم نہیں کہ کھلونا رام کمپاؤنڈر ٹوٹی ہوئی ٹانگ جوڑ بھی سکتا ہے. کچھ بھی کہو کھلونا جی، مگر آج میری تم سے یہ آخری ملاقات ہے. آخری؟ اب کیا ہوگا؟ بنسری، اگر تم نے مجھ سے ملنا بند کر دیا میرا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا. یہ لو سنو، میرا دل کتنی زور سے دھک دھک کر رہا ہے. دھک دھک؟ ہاں، یہ تو ٹک ٹک کر رہا ہے. یو آر رائٹ، اٹ از ڈیو ٹو ویری ہیوی صدمہ. یہ تو شکر کرو کہ ٹک ٹک بھی کر رہا ہے. اگر تم آنکھیں پھیر لوگی تو یہ سدا کے لیے بند ہو جائے گا. ایسا؟ ایسا. کھلونا جی. بنسری جی. کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں تو گھبرا گیا تھا. تو یہ ہے تمہارا دل؟ اور نہیں تو کیا، دل تو تم لے گئی، اپنا تو ٹائم پیس سے ہی گزارا ہو رہا تھا. تو پھر کرو گزارا، میں چلی. ارے ارے بنسری سنو سنو، یو ایڈیٹ، کر دیا نا میرا کنڈا. کیسا بنسری سنو، یہ تو بتاتی جاؤ پھر ملاقات کہاں ہوگی؟ یہاں نہیں، میرے گھر پر، پیپل والی گلی، مکان نمبر 9. ملنے کا ٹائم؟ صبح 10 سے شام کے 6 بجے تک، جب لالا دکان پر ہوتا ہے. فائن آئیڈیا، نو کلیش. لالا دکان پر، کھلونا مکان پر. تو پھر میں جاتی ہوں. جا رہی ہو؟ الوداع. باپ رے. آپ نمستے جی، سنا ہے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، آپ کیسی ہے؟ آپ کو کیسی لگتی ہے؟ اچھی ہے، اچھی خاصی ہے. اہنسا پرمو دھرم. بات یہ ہے، غلط فہمی میں کسی اور کا انجیکشن آپ کو لگ گیا تھا. اب کبھی نہیں لگے گا. اچھا یہ تو بتا، ابھی تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے؟ جو سکندر نے پورس کے ساتھ کیا. میرا مطلب ہے ہاتھ ملائیے، مسکرائیے، گیو اے کولگیٹ اسمائل اور مجھے ودا کیجیے. ابے جا کہاں رہے ہو؟ گھر. ٹھہرو ٹھہرو، اب بھی ملتا ہوں. کیوں، آپ ہی کنوینس ہے؟ ہاں جی. کہاں ہے؟ یہاں. کمال ہے، ہماری دوائی سے اچھے ہو کر ہمیں پہ تندرستی آزمائی جا رہی ہے. کیا بچہ سمجھ کر روک جماتے ہو؟ آنے دو باقی لال کو، پھر بتاتا ہوں. باقی لال؟ باقی لال؟ باقی لال معلوم ہوتا ہے اکھاڑے سے واپس نہیں آیا. یو آر لکی ٹوڈے. آنے دو باقی لال کو بھی، پہلے میں تمہارا باغ پن نکلتا ہوں. سمجھا؟ بچاؤ. ڈر گئے؟ باقی لال کے نام سے ڈر گئے؟ ڈر گئے؟ بچاؤ بچاؤ، باقی لال کہاں ہو تم؟ آپ اس غریب پر کیوں برس رہے ہیں؟ اجی یہ غریب نہیں، بدماش ہے. باقی کے ساتھ یہ بھی تو الجھاتا مجھ سے. جی منہ کیا دیکھ رہی ہیں، پتا کیوں نہیں دیتی؟ ارے بتایا ہے، اسی لیے تو تمہاری گردن پکڑی ہے بدماش. بتایا ہے؟ پھر دیکھ گردن پکڑی ہے، پھر ٹھیک سے بتایا ہوگا. ایک شریف لڑکی کے بارے میں جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی. اب بھاگ کر کہاں جا رہا ہے بزدل؟ چھوڑیے، بہادر بزدل کا پیچھا نہیں کرتے، جانے دیجیے بزدل کو. بزدل؟ او تم بھی بزدل کہتی ہو؟ کیا کہا تھا اس نے؟ باقی لال جھوٹا ہے. باقی لال سچا ہے، بالکل سچا ہے، یہ جھوٹی ہے.
वारे बाके रश्क आता है तेरी किस्मत पर और रोना आता है मुझे अपनी किस्मत पर जो मुफ्त में बदनाम हो रही है ना जाने क्यों वो गुंडा हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है माफ कीजिएगा देवी जी ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है मगर चुटकी तो एक हाथ से बजती है मैं आपको कैसे समझाऊं कि बांकेलाल चुटकी बजा रहा है चुटकी वो चुटकी बजाए या न बजाए मगर आप जरूर मुझे चुटकियों में उड़ा रही हैं अरे तुम खूब मिले पहले तुम्हारा हिसाब चुकता करता हूँ देखो प्यारे दूर से बात करो दूर से हम तुम्हारे से लड़ाई करने नहीं आए बल्कि तुम्हारे एहसान का शुक्रिया अदा करने आए मेरा एहसान हाँ शील का कसम उसकी खातिर हमने गंडा ताविस जादू टोना जंतर मंतर क्या क्या नहीं किया मगर उस पत्थर पर कोई असर नहीं हुआ उस जालिम ने कभी हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा आंख उठाकर भी नहीं देखा वंडरफुल मगर आज तुम्हारी बदौलत उसने हमको बुलाया बुलाकर बिठाया और बिठाकर गाली दिया कि बस मजा आ गया मजा आ गया हाँ दिलदार का गाली हर एक को नसीब नहीं होता दोस्त हाथ मिलाओ आज तो हमारे लिए ईद का दिन है अरे हाथ क्या मिलाएंगे ईद के दिन तो लोग गले मिलते हैं प्यारे क्या हुआ? बस, गले मिलेगा मगर पहले गिला तो दूर हो जाए अरे गिला दूर होने में बाकी क्या है मैं तो कुछ और ही समझा था लेकिन यहाँ तो वन वे ट्रैफिक निकला वन वे पर टू वे होते देर नहीं लगता मगर तुम ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनकर हम दोनों के बीच में कहाँ से आ टपका ट्रैफिक इंस्पेक्टर बाकेलाल प्रेमी शादी करेंगे है? अगर तुम हमारे रास्ते से हट जाओ तो हम उस लड़की को प्यार से तकरार से धोखे से फरेब से किसी भी तरह एक ना एक दिन अपने रास्ते पर लाएगा बाकेलाल मर्द होकर इस शरीफ लड़की के बारे में ऐसा सोचते हो तुम्हें शर्म नहीं आती पहले तुमने मुझसे कहा था अब मैं तुमसे कहता हूँ शील की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी आंख निकाल लूंगा धमकी देता है बांकेलाल को हाँ देता है देता है एक आंख तो क्या हम उसको दो आंख उठाकर देखेगा समझता क्या है अपने आप को ठहरो तुमको अभी इसी वक्त फैसला करना पड़ेगा कि तुम शील से कभी नहीं मिलोगे मिलूंगा जरूर मिलूंगा तुम शायद रवि के गुस्से को नहीं जानते हो जानता हो मुझसे टक्कर लेने का नतीजा जानते हो जानता हो खैर ना जानते हो जानता हो जानता है वेरी गुड अरे शील किसका न हो सकेगा तुम्हें जो भी देख लेगा किसका न हो सकेगा परी हो भला हो क्या हो तुम्हें जो भी देख लेगा किसका न हो सकेगा परी हो भला हो क्या हो तुम्हें जो भी देख लेगा दुनिया चले उधर ही जिधर ये निगाह घूमे शबनम को देख लो गर
बनकर शराब झूमी नशा ही नशा हो क्या हो तुम ही जो भी देख लेगा किसी का न हो सकेगा परी हो भला हो क्या हो तुम्हें जो भी देख लेगा कजरा रे नैन भूरे पलके जो खोलते हैं दिलों की बिसात क्या है ईमा भी डोलते हैं बुतों के खुदा हो क्या हो तुम्हें जो भी देख लेगा किसी का न हो सकेगा करी हो बला हो क्या हो तुम्हें जो भी देख लेगा कहाँ ये दमकता मुखड़ा कहाँ ऐसा नूर होगा जिसने बनाया तुमको उसे भी गुरूर होगा खुदा की अदा हो क्या हो तुम्हें जो भी देख लेगा किसका न हो सकेगा तुम्हें जो भी देख लेगा किसका न हो सकेगा परी हो भला हो क्या हो तुम्हें जो भी देख लेगा तकलीफ ना हो तो जरा पीपल वाली गली का रास्ता तो बताना तकलीफ कैसी बाबूजी कहिए तो उठा कर ले जाना नहीं नहीं ये रही पीपल वाली गली ये किसके यहाँ जाना है अपना ही जिगरी यार कैसा जिगरी यार है वो जिसके घर का भी पता नहीं घर तो उसका अपने दिल में है पहलवान आज पहली बार जा रहा हूँ यार के यहाँ अरे हाँ खाली हाथ क्या जाऊँ तोड़ने से खुशी में दो रसगुल्ले जरा फटाफट वो दिल पे हाथ रखे मेरी राह देख रही होगी वो देख रहा होगा जब बात मुंह से फिसली गई बाबूजी तो फिर क्या छुपाना जरा हम भी तो सुने किसकी खातिर जा रहे हैं ये रसगुल्ले कौन है वो रसीली बड़े रसियाओ पहलवान राम कसम अपने को तो इश्क मासूकी का समाचार सुनने सुनाने का बड़ा शौक है पैसे रखो जी अपने पास तुम्हारे हमारे मासूक में कोई फर्क है क्या तुम्हारा भी कोई मासूक है पहलवान सच पूछो तो मैं उसका मासूक हूँ बहुत चाहती है मुझको और इतनी भोली है कि बस मत कुछ पूछो अब तुम बताओ कौन है वो महजबीना है एक फुलझड़ी मगर आंख कैसे लड़ी आंख में दवा डलवाने आई थी मैंने आंख में आग डाल दी फिर वो मिलती रही मुझसे अपने लाला की आंख में धूल झोंक कर लाला हाँ लाला कहीं हो गया सामना तो बना दूंगा उसको साला ससुरे ने बेचारी का बाहर आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया मगर नाम क्या है उस बेचारी का नाम जिसे चाहे शाम अबे लल्लू जी भला शाम किसे चाहते थे यूं तो सारे संसार को पर सबसे ज्यादा बंसरी को चुप रह बे बड़ा आया ज्ञानी कहीं का शाम राधा को भी तो चाहते थे ये राधा है क्या बस
जी चाहता है बंसली रानी जीवन भर तुम्हें इसी तरह हलवा खिलाता रहूं और खाता रहूं। रहने दो जी, तुम्हारे मन में चाह होती तो इतने दिन नजरों से दूर ना रहते। तुम नजरों की बात करती हो, मैंने तो तुम्हें अपने दिल में छिपा रखा है। मैं इतनी बड़ी तुम्हारे छोटे से दिल में कैसे आ सकती हूँ? जिस तरह कैमरे में तस्वीर आ जाती है, बस तुम्हारी तस्वीर देखता रहता हूँ, तड़पता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तड़पता रहता हूँ। झूठा, तड़पने वाले तुम्हारे तरह हट्टे कट्टे नहीं होते। माय डियर, मैं कोई ओल्ड फैशन प्रेमी नहीं हूँ जो कि प्रेम में अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। अपना तो पूरा एक टाइम टेबल है, सुबह 6 से 6:30 उठक बैठक लाइक दिस, 6:30 से 7 तुम्हारी जुदाई में ठंडी आए लाइक दिस, 7 से 7:30 लस्सी के 6 गिलास, 7:30 से 8 प्रेम का पाठ यानी कि तुम्हारा ध्यान, उसके बाद ठंडे पानी से स्नान। बंसरी, ओ बंसरी। लाला, मर दादा। क्या होगा? हस्ती उठेगी मेरी, जल्दी से छिपाओ मुझे, मैं मरकर शादी से पहले ही तुम्हें बेवा देखना नहीं चाहता, कुछ करो। अरे सुनती नहीं, साफ सुन गया क्या? अरे खोलती है या तोड़ू दरवाजा? आंख लग गई थी। हनुमान जी रक्षा करना, सच सच बता कहाँ छुपाया है उसे? तलाशी लेकर भी तसल्ली नहीं हुई तुम्हारी? जब देखो शक, जब देखो शुबा। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो इस तरह की उंगली उठाते मुझ पर? माँ बाप। अरे मरे हुए को बीच में क्यों घसीटती है? ऐसी जिंदगी से तो बात ही अच्छी है, मगा एक पाव भी अभी खाकर जाती हूँ उनके पास। ऐसा ना कर बंसरी, ऐसा ना कर, मुझको अपने पास बुला लो माँ। अरे बंसरी, अरे मत रो बंसरी, अरे बंसरी मत रो। मैं तुमसे नहीं बोलती, जाओ जाकर और लो तलाशी, निकालो जिसे मैंने छुपा रखा। भूल हो गई, अब चुप हो जा, माफी चाहता हूँ। बिल्कुल माफी नहीं चाहता। बता ये हलवे की 2 प्लेटें किसके लिए है? 2 प्लेटें? हाँ बोल। एक अपने लिए, एक तुम्हारे लिए जी। लेकिन तुझे कैसे पता चला कि मैं आऊँगा? क्या दिल को दिल से रहा नहीं होती है जी? होती है। हलवा खाओ जी। जी मैं क्या हुआ? हलवा अटक गया गले में। लगता है हलवा दिल से बनाया। किसने काटा? खटमल होगा जरूर, कोई मोटा खटमल लगता है, सारा मजा खराब कर दिया साले ने। ओ, क्या कर दिया इसमें? कंबल गली बहुत छोटी, काश मुझे रोज चोट आए और तुम रोज यूं ही दबाओ। धोबी लाला जी, तुझे भी अभी मरना था, अबे दरवाजा खटखटा कर आया कर। जी अच्छा, कपड़े दे दो। आज नहीं कल ले जाना। अरे मैल के ढेर को घर में नहीं रखना चाहिए, गिन ले चल। कपड़े गिने पूरे 400 पीस से ले जा, ले जा। बहुत बोझ है बीबी जी। अरे कंबल और दरिया है, कोई आदमी नहीं बांध दिया बीबी जी ने। ले उठा। शिव जी जरा मार्जिन दियो।
مر گیا مر گیا. اے جوان ذرا ہاتھ لگے لو. شکر ہے بچ گیا مر گیا. پہلوان پہلوان کیا ہوا بابو؟ پہلے ذرا کمر کے بل نکالیو پھر بتاتا ہوں. کیوں کوئی موقع واردات پر آ گیا تھا کیا؟ ایسا ہی سمجھ لو پہلوان, ہم دونوں دروازہ بند کر کے بڑے ٹھاٹ سے حلوہ بنا رہے تھے, بڑے مزے کی باتیں ہو رہی تھی کہ این موقع پر وہ کمبخت لالا آ گیا. لالا؟ ہاں لالا, نہ جانے وہ الو کا پٹھا شام سے پہلے کیسے گھر چلا آیا. اچھا ہم دونوں گھبرا گئے تھے لیکن ہائے وارے میری پھلجڑی, اس نے دروازہ کھولنے سے پہلے مجھے کپڑوں کی گٹری میں چھپا دیا. گٹری میں؟ پھر وہ گدھا اندر آتے ہی دھڑام سے گٹری کے اوپر بیٹھ گیا. تمہاری قسم پہلوان اس بھینسے کا بوجھ تم سے کم نہیں ہوگا. یہ تو شکر کرو دھوبی آ گیا اور مجھے باہر لے گیا, نہیں تو لالا تمہیں شمشان گھاٹ پہنچا آتا. پہلوان جی تمہارے ہوتے ہوئے کس کی طاقت ہے جو مجھے شمشان گھاٹ تک پہنچائے؟ کیوں نہیں کیوں نہیں, لیکن میرا خیال ہے اب بھولے سے بھی تم ادھر جانے کا نام نہیں لوگے. کیا بات کرتے ہو پہلوان جی, گرم گرم دودھ پیتے ہوئے کسی کا منہ جل جائے تو کیا وہ دودھ پینا چھوڑ دے گا؟ نہیں نا, بس دو چار مہینے کی بات ہے وہ پورے 18 سال کے ہو جائے اس گھر سے ڈولی لے جاؤں گا ڈولی. ارے ہاں اگر اس لالا نے ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو تمہیں توڑنی ہوگی اس کی ٹانگ. دیوانہ کہہ کے لوگوں نے مجھے اکثر بلایا ہے, دیوانہ کہہ کے لوگوں نے مجھے اکثر بلایا ہے. اگر پوچھا کسی نے حال یہ کس نے بنایا ہے تو میں تیرا نام لوں گا, میں تیرا نام لوں گا. دوائی آنکھوں نے سب کو دل نے گوایا ہے, اگر پوچھا کسی نے حال یہ کس نے بنایا ہے تو میں تیرا نام لوں گی, میں تیرا نام لوں گی. کبھی میں نے میخانہ دیکھا نہیں ہے, اٹھا کے بھی پیمانہ دیکھا نہیں ہے, مگر سب مجھے دیکھ کے کہہ رہے ہیں کوئی ایسا مستانہ دیکھا نہیں ہے, کوئی ایسا مستانہ دیکھا نہیں ہے. اگر پوچھا کسی نے, اگر پوچھا کسی نے تو نشن جیسے آیا ہے تو میں تیرا نام لوں گا, میں تیرا نام لوں گا. دوائی نیند آنکھوں نے سب کو دل نے دوایا ہے, اگر پوچھا کسی نے حال یہ کس نے بنایا ہے تو میں تیرا نام لوں گی, میں تیرا نام لوں گی. اگر پوچھا کسی نے, اگر پوچھا کسی نے پھول یہ کس نے لگایا ہے تو میں تیرا نام لوں گی, میں تیرا نام لوں گی. اے دیوانہ کہہ کے لوگوں نے مجھے اکثر بلایا ہے, اگر پوچھا کسی نے حال یہ کس نے بنایا ہے تو میں تیرا نام لوں گا, میں تیرا نام لوں گا. سنا جب کی میں ہو گیا ہوں نشانہ, کئی باتیں پوچھے گا مجھ سے زمانہ,
چھپاؤں گا کیسے میں درد جگر کو بناؤں گا لوگوں سے میں کیا بہانا بناؤں گا لوگوں سے میں کیا بہانا اگر پوچھا کسی نے اگر پوچھا کسی نے تیر یہ کس نے چلایا ہے تو میں تیرا نام لوں گا میں تیرا نام لوں گا گوائی نیند آنکھوں نے سب دل ہی گوایا ہے اگر پوچھا کسی نے کون یہ کس نے بنایا ہے تو میں تیرا نام لوں گی میں تیرا نام لوں گی میں تیرا نام لوں گا میں تیرا نام لوں گی شیل بھلا ہم کب تک ایک دوسرے کا نام ہی لے کر جیتے رہیں گے جب تک شادی کا پرمٹ نہیں مل جاتا تو اس کے لیے اپلائی کہاں کیا جائے ڈاکٹر صاحب کی کچہری میں یا ماں کی عدالت میں پتا جی کی کچہری میں تو شاید آپ کی عرضی منظور ہو جائے لیکن ماں کی عدالت میں اپنی اپیل کہیں نامنظور تو نہیں ہو جائے گی اس کے لیے تم بالکل فکر مت کرو میں ماں کی عدالت میں کیس کو اس خوبی سے پیش کروں گا کہ ماں کو ہاں کرنی ہی پڑے گی نہیں 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 ایک بار چھوڑ سو بار نہیں یہ شادی ہرگز نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی آخر کیا ہے اس لڑکی میں میں لڑکی کو نہیں اس کے خاندان کو دیکھتی ہوں نہ گھر نہ گھاٹ نہ تھور نہ ٹھکانا پتا نہیں کہاں سے گزر گزر کر آئے ہیں وہ لوگ ایسے دو کوڑے کے آدمی کی بیٹی کو میں اپنی بہو کیسے بنا سکتی ماں انسان کی قیمت دولت سے نہیں اس کی انسانیت سے ہوتی ہے جسے تم دو کوڑی کا آدمی بتاتی ہو اس نے اجڑنے کے بعد بھی کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا وہ کیوں ہاتھ پھیلائے گا کسی کے آگے اتنے بڑے گھر کا لڑکا جو پھانس لیا ہے اس نے ماں شرم نہیں آتی ماں کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کان کھول کر سن لو تمہاری شادی وہی ہوگی جہاں میں چاہوں گی یہ میرا آخری فیصلہ ہے تو میرا آخری فیصلہ بھی سن لو ماں میں تمہاری قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں شادی کروں گا تو شیل کے ساتھ ورنہ زندگی بھر شادی نہیں کروں گا تم بیوہ ماں کے اکلوتے بیٹی ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو تم نے قسم کھا کر مجھے بے وس کر دیا اگر تمہاری یہی ضد ہے تو جاؤ کر لو اپنی مرضی ماں کر لو اسی لڑکی سے شادی میری اچھی ماں یہ بات ہوتی ہے پیدا جناب برسوں میں خدا بناتا ہے ایسا شباب برسوں میں یہ بات ہوتی ہے پیدا جناب برسوں میں خدا بناتا ہے ایسا شباب برسوں میں یہ بات ہوتی ہے بہار آتی ہے اور رنگ روپ ملتے ہیں چمن میں ویسے تو ہر روز پھول کھلتے ہیں چمن میں کھلتا ہے
चमन में खिलता है तुम सा गुलाब बरसों में, खुदा बनाता है ऐसा शबाब बरसों में, ये बात होती है। नहीं ये बात है, नहीं ये बात के तुम सा हसी नहीं होगा, यहाँ नहीं तो जमाने में वो कहीं होगा, तो वो कहीं होगा, मगर मिलेगा तुम्हारा जवाब बरसों में, खुदा बनाता है ऐसा शबाब बरसों में, ये बात होती है। तेरा ख्याल है हर वक्त याद के काबिल, मगर ये मेरी नजर भी है दाद के काबिल, किया है जिसने तेरा, किया है जिसने तेरा इंतखाब बरसों में, खुदा बनाता है ऐसा शबाब बरसों में, ये बात होती है। पढ़ने, मगर आज तो कॉलेज बंद है, लेकिन सहेलियों के घर तो खुले हैं, कभी कभी अपने भाभी के पास भी बैठा करो, मैं भी पढ़ाई में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। शुक्रिया, जब आपकी मदद की जरूरत होगी तो जरूर कहूंगी। बाय बाय। ठहरो सीमा, नौकर को भेजकर अपनी सहेली को यहीं बुला लो। नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकती। तो फिर तुम भी वहाँ नहीं जा सकती, बैठो इधर। सीमा, क्या बात है? कुछ नहीं माँ, देखो ना, मैं अपनी सहेली के पास पढ़ने जा रही हूँ, लेकिन भाभी मुझे जाने नहीं देती। क्यों? माँ जी, बात यह कि अपनी सीमा बच्ची नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि अकेली कहीं आ जाए। क्या कहा? मैं जो कुछ कहती हूँ इस घर के भले के लिए कहती हूँ माँ जी। इस घर का भला बुरा सोचने के लिए मैं बैठी हूँ अभी। जाओ सीमा। खैर सीमा, माँ जी आखिर मेरा भी तो कुछ हक है सीमा पर। आपकी आंखों ने बहुत भला जमाना देखा है, मगर अब जमाने की हवा कुछ और है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी पर शक करते हो, मेरे खून पर उंगली उठाते हो। नहीं नहीं माँ जी, मेरे ये मतलब नहीं। मैं खूब समझती हूँ तुम्हारा मतलब, चौधरायन बनना चाहती हो इस घर की। माँ जी, मेरे बच्चे क्या हैं, कैसे हैं, उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। अब नहीं भी जाना तो भी जाएगी। जाओ सीमा। मेरी बेटी ऐसी नहीं जो शादी से पहले प्यार की पिंगे चढ़ाती फिरे। क्या बात है, बड़ी देर लगा दी आज। अरे ये क्या हुआ? होगा क्या, तुम्हारे साथ वाली बिल्डिंग से किसी बेवकूफ ने ऊपर से पानी फेंक दिया। मैंने सोचा वापस चली जाओ, फिर ख्याल आया
तुम इंतजार करते रहोगे। सुना, तुम्हारे पास कोई साड़ी वाड़ी है? साड़ी मैंने तो कभी पहनी नहीं। हाँ, पैजामा या पतलून चाहिए तो दे सकता हूँ। चलेगी? जी नहीं। मैं तो मायूसी हो गया था कि अब तुम नहीं आओगी। जानते हो, आज भाभी से बहुत चकचक हुई, इसीलिए देर भी हो गई। वो तो ये कहो, माँ ने भाभी की जिद में आकर मुझे आने दिया। तो बस फिर क्या डर है, माँ को मुट्ठी में रखो। मजाक छोड़ो राज, अब मेरे यहाँ रोज रोज आना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है तो मत आया करो। क्या कहा? मत आया करो। मेरा मतलब है, मेरा मतलब है आके मत जाएगा। मर न जाए तो क्या करे कोई। तभी तो ठीक है ना। आप रहने दें तब ना। क्यों निशाना मुझे नजरों का बना रखा है, दिल तो तुम ले गए, अब सीने में क्या रखा है। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। कब तक छुड़ाती रहो, शादी के बाद भी तो ये हाथ इसी हाथ में आएगा। मगर शादी के बाद ना, उसमें कोई कसर है क्या? शादी तो दो दिनों का मेल है, बाकी रहा जग दिखावा वो भी हो जाएगा। मुझे अब घर जाना है। चली जाना, साड़ी रुक जाने दो। वो आदमी अच्छा नहीं, एक बार हमारे मोहल्ले में उसने एक लड़की को छेड़ा था, इतनी मार पड़ी कि 10 दिन तक पट्टी करवाता रहा पिताजी से। मैं तभी से उसको पहचानती हूँ। तो फिर तुमने माँ से क्यों नहीं कहा? अगर मेरे कहने से सीमा रुक जाती तो शायद मैं आपसे भी ना कहती, मैं खुद ही उसको सब कुछ समझा देती। तुम क्या समझाओगी, मैं समझाता हूँ उसे। सुनिए, आपको मेरी कसम, जरा शांति से काम लीजिएगा। सीमा, आज तुम्हारा कॉलेज बंद था, फिर कब गई थी? भैया, मैं सहेली की बात कही थी। मुझे बनाने की कोशिश मत करो। मैं पूछता हूँ, अपनी भाभी के रोकने पर भी बाहर क्यों गए? वो कौन होती है मेरी बेटी को रोकने वाली? सीमा मुझसे पूछ कर गई, मैंने भेजा था इसको। माँ, तुम अपनी बहू को चिढ़ाने के लिए अपनी बेटी के रास्ते में कांटे बिछाना चाहती हो? शील ने कुछ सोच समझ कर रोका होगा इसे। हाँ, यही सोचकर कि घर में क्लेश हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत सोचिए, तुम बीच में मत पड़ो और तुम भी सुन लो। फिर कभी किसी के बहकावे में आकर लड़के को डांटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसकी गलत हिमायत करके ज्यादा सर न चढ़ाओ माँ, आखिर मैं भी इसका भाई हूँ, दुश्मन नहीं। सीमा, कान खोल कर सुन लो, तुम चुप रहो जी। अगर तुम्हारे कारण किसी को खानदान पर उंगली उठाने का मौका मिला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान के मार डालूंगा। बहुरानी, भाई बहन में झगड़ा करवा के कलेजा ठंडा हो गया तुम्हारा? कुछ कसर रह गई हो तो जाओ और कान भरो खत्म के। न जाने कैसे खोटे कर्म किए थे जो ऐसी बहू पल्ले पड़ गई। शील, शील, क्या है? आगमन करो, मुंह खोलो। मुबारक हो, आ गया कंपनी का खत। तुम्हारे होने वाले बच्चों के बाप को नौकरी मिल गई। बस पहले बंबई में ट्रेनिंग, फिर ऐश विद कैश, पूरी 1000 रुपया तनख्वाह, रहने के लिए बंगला, घूमने के लिए मोटर और प्यार करने के लिए बीवी। हाय रे हाय, क्योंकि बीवी भी कंपनी की तरफ से मिलेगी। कंपनी से बीवी नहीं मिलेगी, बल्कि बीवी से कंपनी मिलेगी। कंपनी ने फौरन जवाब मांगा है। तो आप फौरन जवाब लिखिए कि मैं फौरन आ रहा हूँ और मैं फौरन ये खुशखबरी माँ जी को सुनाता हूँ। माँ जी, क्या है?
एक खुशखबरी। कैसी खुशखबरी? पहले मुंह तो मीठा कर लीजिए, वो बंबई जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, उन्हें नौकरी मिल गई। नौकरी? जहर खिलाने आई है मुझे। माँ जी खबरदार दे मुझे, माँ जी का पहले बहन भाई का झगड़ा करवाया और अब नौकरी के बहाने माँ से बेटे को जुदा करना चाहती है। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या जरूरत है उसे नौकरी करने की? वो किसी कंगले बाग की औलाद नहीं है। दो दो नौकर रखकर सारी जिंदगी घर बैठकर खाता रहे तो भी बाप का रुपया खत्म नहीं होगा। मगर बाप दादा की कमाई पर सारी जिंदगी गुजार देना भी तो शोभा नहीं देता। जो लियाकत उन्होंने हासिल की है उससे वो अपना और खानदान का नाम क्यों ना रोशन करे? हमारे खानदान का नाम अंधेरे में कब था जिसे वो रोशन करेगा? साफ क्यों नहीं कहती कि तुम उसे अपनी मुट्ठी में करने के लिए नौकरी के बहाने सदा के लिए मुझसे अलग करना चाहती? माँ जी मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। लेकिन मैंने उसी दिन सोच लिया था जब मेरा लाल तेरे चरित्रों में आकर तुझसे शादी कर बैठा। माँ जी जानती है इसके मुंह से दूध की बूंद भी नहीं गई थी जब उसके सर से बाप का साया उठ गया। मैंने उसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और बच्चे से जवाब किया। क्या ये सब कुछ इसीलिए किया था कि मैं अपनी जिंदगी भर की पूंजी तेरी झोली में डाल दूं? लेकिन आप ये क्यों भूलती हैं कि शादी के बाद एक लड़की भी अपने माँ बाप भाई बहन सब कुछ छोड़कर एक पराये घर को अपनाती है। अब मेरा सुख दुख अच्छा बुरा सब कुछ इसी घर के साथ है। मैं तो तुम्हें की भलाई खामोश की भलाई बुराई मैं तुमसे बेहतर समझती। 24 साल तक मैंने उसे जमाने की सब गर्म हवाओं से बचाया। तुम्हें तो उसकी जिंदगी में आए हुए अभी चंद महीने भी नहीं हुए। चंद महीने तो बहुत होते हैं माँ जी, पत्नी तो 7 फेरों के बाद ही पति की सारी खुशी और गम समेट कर अपने सीने में छुपा लेती है। बकवास बंद कर, मैं सब समझती हूँ। तुझे उसकी खुशी और गम की फिक्र नहीं, तुझे फिक्र है अपने कंगाल बाप की। माँ जी बोलो ये सब क्या हो रहा है? पूछ अपनी जोरों से जो बेटे को उसकी माँ से अलग करके उसकी कमाई अपने बाप की झोली में डालना चाहती। ये तुम क्या कह रही हो माँ? सीधी सीधी बात का उल्टा मतलब क्यों निकल रही हो? तो चुप रह, मैं सब समझती हूँ। अरे मैं 5-10 हजार रुपया यूं ही तेरे बाप को दान दे सकती हूँ। माँ जी जो कुछ कहना है आप मुझे कह लीजिए, लेकिन मैं अपने देवता स्वरूप बाप के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती। सुन लिया तूने? ये अपने बाप के बारे में एक लफ्ज सुन नहीं सकती और तू अपनी माँ के बारे में इतनी बातें सुन रहा है? तुम तो यूं ही बिगड़ रही हो माँ, आखिर शिल ने क्या कह दिया? अभी कहने में कुछ कसर है क्या? कान खोल कर सुनने रवि, एक दिन तूने मेरी कसम खाकर कहा था शादी करूंगा तो इसी लड़की से। आज मैं तेरी सौगंध खाकर कहती हूँ इस घर में ये रहेगी या मैं। माँ जी ऐसी कसम न खाइए, चलिए तो मुझे जान से मार डाली है। ससुराल से तो बहू की अर्थी निकलती है, वो खुद नहीं जाती तो फिर मैं जाती हूँ। हट जा, इसके होते हुए मैं यहाँ सांस लेना भी पाप समझती हूँ। आप क्यों जाएंगे? आप तो इस घर के मालकिन, पराई तो मैं, मुझे जाना चाहिए, मैं चाहती हूँ। शेर ऐसी बातें करती हो, क्या हो गया तुम्हें? मैं बेटे के बीच मैं दीवार नहीं बनना चाहती। शिविर शिविर को रोक ले, माँ का गला घोट कर जा सकता है तो जा। माँ तुम्हें क्या हो गया है? मैं हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, शील को रोको माँ, शील को रोको, भगवान के लिए शील को रोको। जाने दे, घर से शनि चली गई। शील, शील मैं तुम्हारे ही पास जा रहा था, डॉक्टर साहब की तबीयत सुबह से बहुत खराब है। क्या हुआ? वही पुराना दौरा, तुम उनके पास जाओ, मैं बाजार से दवा लेके अभी आता हूँ। अच्छा पिताजी, पिताजी बेटी अच्छा हुआ तू आ गई, रवि भी आ जाता तो अच्छा होता, उसे भी देख लेता। पिताजी मुझे अपना ये दौरा आखिरी दौरा मालूम होता है बेटी। ऐसा ना कहिए पिताजी, आप अच्छे हो जाएंगे, जरूर अच्छे हो जाएंगे। पगले माँ बाप का साया सदा किसके सर पर रहा है और मैं तो भाग्यशाली हूँ कि प्रभु ने मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने का मौका दिया।
तू ये बता, तू अपने घर में खुश तो है ना? हाँ पिताजी, मैं वहां बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बस मैं तुझसे यही सुनना चाहता था, रवि का स्वभाव तो बहुत अच्छा है, तेरी सास कैसी है? जी वो अच्छी है, बहुत अच्छी है। शुक्र है भगवान का, मेरी बिन माँ की बच्ची को सास के रूप में माँ का प्यार मिल गया। तुम दोनों हर तरह से सुखी है ना? केवल पिताजी, भला मुझे से सुखी कौन होगी? इतना बड़ा मकान, नौकर चाकर, गहने कपड़े, धन दौलत, किस चीज की कमी है मुझे? आप मेरी बिल्कुल चिंता न कीजिए। गजब हो गया मां, शील के पिताजी का देहांत हो गया, चलो मेरे साथ। कहां? शील के घर। अब हमारा उससे क्या नाता? क्या कहती हो मां, आपस के घरेलू झगड़ों से रिश्ते नहीं टूट जाते? तुम कुछ भी कहो, लेकिन अब ना मैं खुद वहां जाऊंगी और ना तुम्हें जाने दूंगी। ऐसा ना कहो मां, ऐसे मौके पर तो आदमी को दुश्मन के घर भी जाना चाहिए। किसी दुश्मन के घर मौत होती तो शायद मैं तुमसे पहले जाती, मगर वो दुश्मन से भी बढ़कर। मां, तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरा सर शर्म से झुका जा रहा है। पागल मत बनो, यही मौका है उसे पीछा छुड़ाने का। तुम आज वहां जाने से रुक जाओ, फिर जिंदगी भर के लिए रिश्ता खत्म हुआ समझो। मैं एक से एक बड़े घर के लड़के ला सकती हूँ तुम्हारे लिए। माँ, शादी ब्याह घरंदे का खेल नहीं है, जब चाह बना लिया, जब चाह तोड़ दिया। जरा सोचो, अगर कोई तुमसे यह कहता कि पिताजी को छोड़ दो रवि और दूसरी शादी कर लो। अच्छी बात कहने से पहले तेरी जबान को नहीं चलती। मैं जानता था तुम यही करोगी और तुम्हें करना भी यही चाहिए था, लेकिन जरा सोचो, जब तुम अपने लिए ऐसी बात सुनना भी गवारा नहीं कर सकती तो फिर मुझे क्यों कहती हो? एक औरत होकर किसी दूसरी औरत का सुहाग क्यों छीनना चाहती हो? बेशर्म, मां का ये अपमान। मैंने मां का अपमान नहीं किया, बल्कि मेरी मां ने इंसानियत का अपमान किया है। रुक जा, वहां जाने से पहले इतना सुनता था, अगर इस घर के बाहर कदम निकाला तो फिर इस घर का दरवाजा तेरे लिए कभी नहीं खुलेगा। मैं मरते हुए भी ये कह के मरूंगी तू मेरी सूरत न देखने पर। जान हलकान करोगी, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। मैं भी कैसे किस्मत में कराई, मैं कह के घर मौत में उजाड़ती हूँ और ससुराल में पांव नहीं रख सकती। घबराओ नहीं शील, मैं जो हूँ मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। मैंने ट्रेनिंग के लिए बंबई जाने का इरादा छोड़ दिया है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, आपको ट्रेनिंग के लिए जाना ही होगा। मैं तरक्की की राह में आपका सहारा बनने के बदले
आपके रास्ते का पत्थर नहीं बनना चाहती। लेकिन शील, मुझे वहाँ 7-8 महीने लग जाएंगे, तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी? अकेली क्यों, आपकी याद जो रहेगी मेरे साथ। जी नमस्ते। नमस्ते, कौन है आप? जी राजकुमार। किस रियासत के? जी जी दरअसल मेरा नाम राजकुमार है। यहाँ कैसे आए? आप तशरीफ रखिए तो अर्ज करूँ। तारीफ तो बहुत सुनी थी आपकी, खुशकिस्मती से आज आपके दर्शन भी हो गए। कहाँ से आए हैं आप? जी वैसे तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, बहुत बड़ा कारोबार था हमारा वहाँ, मगर पिताजी की अचानक मौत और खानदानी झगड़ों की वजह से सब तबाह बर्बाद हो गया। मैं चाहता तो अपनी खुददारी को बेचकर लाखों हासिल कर लेता, मगर रगों में चूंकि शरीफ खून था इसलिए यहाँ एक दफ्तर में क्लर्की कर रहा हूँ और इज्जत के साथ अपना पेट पाल रहा हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? जी आपसे सीमा ने कुछ नहीं कहा? सीमा? तुम सीमा को कैसे जानते हो? जी सीमा भी तो मेरी तरह एक खानदानी लड़की है, इसलिए हमारी जान पहचान हो जाना कोई ताज्जुब की बात तो नहीं। अच्छा, आप ये जानकर खुश होंगी माता जी कि मुझे सीमा पसंद है और मैं सीमा को पसंद हूँ, और मुझे यकीन है कि ये रिश्ता आपको भी जरूर पसंद होगा। जरूर, क्यों नहीं। बस माता जी अब सिर्फ आपकी इजाजत की जरूरत है। इजाजत? जी। पिताजी कमीने, तेरी जिद्दत अपनी औकात तो देखी होती, नाले की नीच मंदिर की छत पे लगाना चाहता है। निकल जाए यहाँ से। माता जी आप बुजुर्ग, और बुजुर्गों की बात का बुरा मानना हमारे खानदान का दस्तूर नहीं। चूल्हे में जाए तू और तेरा खानदान, निकल जाए यहाँ से। मगर माता जी मैं जाती हूँ, निकल जाए मेरे घर से। यही खाक बनाने के लिए बाहर जाती, रवि ने घर की बर्बादी में कोई कसर छोड़ी नहीं। आज से तेरा काले जाना जाना बंद, पढ़ाई लिखाई सब बंद, बाहर कदम निकाला तो टांगे तोड़ दोगे तेरी। आज हमारे प्यार का जीव कभी नहीं बुझेगा, अब मुझे मौत भी तुमसे निदान नहीं कर सकती। माँ को राजी कर लिया है क्या? नहीं नहीं, लेकिन मैं हर जंजीर को तोड़ के तुम्हारे पास आ गई हूँ, इससे पहले कि माँ हम दोनों के बीच में आ जाए। चलो हम शादी कर लें। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ सीमा, मगर मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम ना सिर्फ अपने घर वालों को बल्कि उनकी दौलत को भी खो बैठो। मुझे दौलत की परवाह नहीं, मेरी सबसे बड़ी दौलत तो तुम हो, सिर्फ तुम। फिर भी बड़ों का आशीर्वाद लेने में क्या हर्ज है? लेकिन ये कैसे हो सकता है, माँ कभी नहीं मानेगी, वो एक बार जिस बात को ना कर दे फिर उनसे हाँ करवाना नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। दिल की लगन तो भगवान को भी मना लेती है, तुम्हारी माँ तो आखिर इंसान है, रोकर रूट कर पाँव पड़कर 100 तरह से मना सकती हूँ, बस जरा उनका गुस्सा ठंडा होने का इंतजार। मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मैं माँ बनने वाली। माँ अब तो मालूम हो गई तुम्हें मेरी परेशानी की वजह। परेशानी? ये तो खुशखबरी है, तुमने अपनी माँ को नहीं सुनाई? ये तुम क्या कहते हो, अगर माँ सुनेगी तो मुझे जान से नहीं मार डालेगी। ये सुनने के बाद तो वो भागी चली आएगी मेरे पास रिश्ते के लिए। तुम कैसी बातें कर रहे हो, भगवान के लिए मेरी हालत पर रहम करो और माँ से मिलने की बात भूल जाओ। क्यों भूल जाऊं? क्या मैं इंसान नहीं? क्या मेरे सीने में दिल नहीं? अब मैं उसे दिखा दूंगा कि नाली की एक मंजिल की छत में कैसे लगती है। राज, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। राज अगर तुम्हें मोहब्बत का पास नहीं है तो मैं इंसानियत के नाम पे तुम्हारे आगे दामन फैलाती हूँ। अपने होने वाले बच्चे का ख्याल करो राज, मुझे भागन पर तरस का। अब मेरी और मेरे खानदान की इज्जत तुम्हारे हाथ है, तुम्हारे हाथ है। लेकिन उसकी कीमत चुकाना
तुम्हारी माँ के हाथ में। जब तक तुम्हारी माँ सारी जायदाद मेरे नाम नहीं करेगी, ये शादी नहीं हो सकती। तो ये है तुम्हारा असली रूप। मैं अब समझी के लिए तुम इतने बेताब क्यों थे। आज तक प्यार के पर्दे में तुमने सिर्फ मेरे दर्द को चाहा। मुझे नहीं मालूम था तुम इतने जलील और गिरे इंसान हो। खामोश, दौलत के बगैर तुमने रखा ही क्या है जिसके लिए कोई इतने लकड़े उठाए। तुम जैसी सैकड़ों लड़कियां मारी मारी फिरती है, समझी? एक शरीफ लड़की की इज्जत से खेल कर। शरीफ लड़की शादी से पहले किसी को अपना पति नहीं बना लिया करती। तुम इंसान नहीं, शैतान हो शैतान। विश्वासघात करके एक लड़की की मजबूरी और बेबसी का फायदा उठाना चाहते हो, लेकिन याद रखो वो दिन कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। देखो सीमा, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। देखो देखो मैं कौन हूँ। भाभी, तुमने मुझे बचाया। हाँ, क्यों बचाया तुमने? तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे डूब मरने दो, मैं ऐसे लायक हूँ। सीमा हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे नहीं चाहिए ये दुनिया। लेकिन बात क्या है, हुआ क्या? क्या करोगी पूछ के? मैं कहती हूँ मुझे मरने दो। मैं तुम्हें नहीं जानती। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। सीमा छोड़ दो, हट जाओ। सीमा मैं कहती हूँ छोड़ दो। मैं गलत रास्ते पे जा रही थी, तुमने रोका, लेकिन मैं न मानी। आज जब मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ, तुम मुझे क्यों रोकती हो भाभी? नहीं सीमा नहीं, आत्महत्या पाप है। तुम जिंदगी से मुंह मोड़कर इस तरह नहीं भाग सकती। जरा सोचो, तुम्हें कुछ हो गया तो माताजी भी क्या देतेगी, तुम्हारे भैया का क्या होगा? और अगर मैं जिंदा रही तो उनका क्या होगा? मेरा तलंक उन्हें जीने भी नहीं देगा और मरने भी नहीं देगा। कलंक? कैसा कलंक? किस मुंह से कहूं, उस तकबाज ने मुझे मेरी धार में ला के छोड़ दिया। अब तुम्हें बताओ भाभी, मैं ये पाप की गति लिए कैसे जिंदा रह सकती हूँ? सीमा, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें कहाँ छुपा लूँ? कहाँ छुपा लूँ तुम? मौत के सिवा मुझे भागन के लिए और ठिकाना ही क्या है? मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती मेरी वजह से सारी खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। तो क्या इस तरह खानदान की इज्जत बची रहेगी? तो क्या फिर लोगों को पता नहीं चलेगा कि तुम क्यों डूब मरी? और छुटकारा पाकर सारे खानदान को जीते जी मार डालना चाहती हो? लेकिन मेरे लिए और रास्ता ही क्या है? मुझे तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। एक रास्ता है, मैं बनूंगी तुम्हारे बच्चे की माँ। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं अपनी बदनसीबी की आग में तुम्हें नहीं धकेलना चाहती। नहीं, नहीं।
ये क्या कहती हो सीमा? क्या तुम्हारी और खानदान की इज्जत मेरी इज्जत नहीं है? उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। तुम्हारे बच्चे को मैं पालूंगी, दुनिया के लिए वो मेरा बच्चा होगा। लेकिन भाभी, कभी किसी को पता चल गया, जरा सोचो तो मेरी क्या हालत होगी। उस वक्त तुम्हारी एक कुर्बानी मेरे लिए बताने जान बन जाएगी। मैं दीदी जी मर जाऊंगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। सीमा, तुम जानती हो इस दुनिया में तुम्हारे भैया ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं उन्हीं की सौगंध खा के तुम्हें वचन देती हूँ कि ये बात कभी भूले से उन तक भी नहीं पहुँचेगी। जब तक मैं जिंदा रहूंगी ये राज मेरे सीने में दफन रहेगा। उस महारानी की तबीयत खराब तो हुआ करे, हमें उससे क्या? उसे सेहत का ऐसा ही ख्याल है तो किसी नौकरानी को ले जाए पहाड़ पर अपने साथ। मैं तुझे उसके साथ हरगिज नहीं जाने दूंगी। और खबरदार, जो फिर कभी उसका नाम भी लिया इस घर में। क्या है? फोन है सीमा बिटिया का, तुम जाओ। हेलो सीमा, मैं राजकुमार बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि रात की बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दिल तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। शाम को 6 बजे उसी जगह मिलना, मैं तुम्हारी राह देखूंगा। बोलो, आओगी ना? हेलो हेलो, कब जा रही हो? कल। उसके साथ जाने की तैयारी करो। ये मत समझना कि मैं उसकी खातिर भेज रही हूं। मुझे लोक लाज और अपनी इज्जत का ख्याल है। क्या बात है? कुछ नहीं, तस्वीर ली है रिकॉर्ड के लिए। अच्छा, सीमा। भाभी, डॉक्टर साहब ने इजाजत दे दी, कल सुबह की गाड़ी से हम वापस चलें। कल? हाँ, और तुम्हारे भैया का खत भी आ गया है, वो भी परसों वहाँ पहुँच रहे हैं। भाभी, न जाने मेरा दिल वहाँ जाते हुए क्यों घबरा रहा है। पगली, भगवान पर भरोसा रखो और जो कुछ हुआ उसे सपना समझकर भूल जाओ। खूब, बहुत खूब, मान गए। इतने बड़े राज को छुपाकर अच्छा बेवकूफ बनाया मुझे। लेकिन मैं पूछता हूँ, मेरे जाने से पहले ये खुशखबरी तुमने मुझे क्यों नहीं सुनाई? अगर जाने से पहले सुना देती तो आने के बाद कौन सी खुशखबरी सुनाती? सीमा, माँ तो अच्छी है ना? माँ ने मुन्ने को देखा? नहीं। कमाल है, माँ का गुस्सा भी अजीब है। वो हमसे लाख नाराज सही, मगर इस बच्चे से क्या नाराजगी हो सकती है? बच्चा तो भगवान का स्वरूप होता है, इस मासूम का दुनिया के छलकपट से क्या वास्ता है? नहीं नहीं पंडित जी, चाहे कितना ही शुभ क्यों ना, मुझे 6 महीने बाद वाला मुहूर्त नहीं चाहिए। जवान बेटी की चिंता जितनी जल्दी खत्म हो उतना ही अच्छा है। क्या नहीं क्या नहीं, लड़का भी जल्द से जल्द शादी के लिए तैयार है, बस आप अगले महीने वाला मुहूर्त ही पक्का कीजिए। जैसी आपकी इच्छा, मैं चलता हूँ। लो, सीमा बिटिया भी आ गई। जीती रहो। सच कहता हूँ जजमाने, सीमा बिटिया और शेखर की जोड़ी अमर जोड़ी हो। बस भगवान का नाम लेकर अगले महीने की 7 तारीख को ये शुभ कार्य कर डाली। अच्छी बात है। तुम्हें शादी करनी ही चाहिए सीमा, माँ जी बिल्कुल ठीक कर रही है। सब कुछ जानते हुए भी तुम ऐसा कह रही हो भाभी,
मेरे पाप का तो कोई प्राश्चित ही नहीं। क्यों नहीं है? जब राजा इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण करके उनकी पत्नी अहल्या के पास आया और वो देवी उसके धोखे का शिकार हो गई, तो क्या भगवान राम ने फिर उसे पत्थर से स्त्री बनाकर उसका उद्धार नहीं किया? लेकिन भाभी, मुझे आज राम कहाँ मिलेंगे जो एक औरत की बेकसी और बेगुनाही को दुनिया के सामने रख सके? भगवान तुम्हारे साथ है सीमा, उन्हें भी तुम्हारा भला मंजूर है, नहीं तो उस दिन तुम्हें बचाने के लिए मैं दरिया पर कैसे पहुंच जाती? शील, देखो कौन आया। नमस्ते भाभी। हेलो सीमा। हेलो। अरे तुम तो ऐसे शर्मा रहे जैसे शेखर कोई अजनबी हो। सीमा, माँ तो अच्छी है ना? हाँ भैया। अच्छा भाभी, बहुत बहुत बधाई हो शेखर भैया। असली बधाई तो तब होती भाभी कि आप लोग भी शादी में शरीक होते। फिर वही रट, इतना समझा लेकिन बात फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं। तो चुप बैठ। कोई बात नहीं शेखर भैया, शादी में हम शरीक हो या ना हो, लेकिन तुम दोनों की खुशी में हम जरूर शरीक हैं। हो गई तसल्ली, अब तशरीफ रखिए और चाय पीजिए। नो थैंक यू, चाय में पी कर आया हूँ और तशरीफ जाकर मैं अपने ऑफिस में रखूंगा जहाँ मुझे एक मुकदमे की तैयारी करना है। यानी सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने की तैयारी? देखो भाभी, आप कभी ये शरारत करे तो इसे पानी में धक्का मत देना, मेरे हवाले कर देना और मैं इसे कानून के हवाले करूंगा। अच्छा भाई मैं चलो। ओके बाय बाय बाय। चलो पंडित जी। हनुमान जी, मैं फिर हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, मुझे कांटों में मत घसीटो। खतरे वाली शादी मैं नहीं करवा सकता। खतरा होगा मेरे लिए होगा, अपने चार मंत्र पढ़ के चलते बनो। चलता बनू, चलता कैसे बनू? यजमान, उधर तुम्हारी डोली उठेगी, उधर लाला मेरी अर्थी उठवा देगा, सीता जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और हवन कुंड में मेरा अंतिम संस्कार कर देगा। सीताराम। पंडित जी, आपको शर्म नहीं आती? एडवांस दक्षिणा लेके वक्त पे धोखा देते हो। बांधो धोती, चलो चलिए। पहलवान, जरा इस पंडित को लाभ तो लगाइयो, एंड मौके पर धोखा दे रहा है। पंडित, देखा पहलवान का डील डॉल, ये हमारी मदद पर है, बोला क्या मर्जी है तेरी? ये मदद पर है? हाँ। तो फिर मैं तैयार हूँ। परंतु किस्सा क्या है? किस्सा तो खत्म करने जा रहा हूँ पहलवान, आज मैं शादी कर रहा हूँ अपनी डेक्कन क्वीन से। क्या वो मान गई? मान गई? अरे उसके दिल का इंजन तो कब से मिलन की पटरी पर खड़ा सीटियां मार रहा है, लेकिन मैंने ही आज तक सिग्नल नहीं दिया था। सिग्नल नहीं दिया था? क्यों? क्योंकि लाइन क्लियर नहीं थी। आज वो पूरे 18 साल की हो गई है। अरे क्या हो गया? तुम्हें ये बात सुनकर खुशी नहीं हुई? खुशी बहुत हुई है, बहुत हुई है। लेकिन पहलवान, कहीं वो मर्दूत लाला बीच में विघ्न न डाल दे, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। और देखो कन्यादान भी तुमको करना पड़ेगा। कन्यादान? हाँ। बात क्या है, वो बेचारी बिन माँ बाप की है, और इसमें हरज ही क्या है? पहले तुम्हारी हमारी यारी है, अब रिश्तेदारी हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, तुम मेरे ससुर बनोगे या साला? मेरा मतलब है लड़की के बाप बनोगे या भाई? ये तो वहीं चलकर फैसला होगा कि कौन किसका क्या बनता है। तो फिर चलिए पहलवान जी, कन्यादान महाकल्याण। चलिए। पहलवान क्या हुआ? तुम चलो, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आता हूँ। किंतु जल्दी आना पहलवान। पंडित जी कह दिया है तो जरूर आएगा। पहलवान बाग का धनी है। चलिए चलिए। अबे लल्लू। जी सेठ जी। ला तो जरा मेरा मौला बखस। ये लीजिए, अभी कराता हूँ उसके बाप की शादी। तीन सार चोश ने मी, यदि पहलवान नहीं आया तो क्या होगा निजमान? तुम्हारा सर, हम भी ठाकुर की औलाद हैं, किसी खसियारे की नहीं। आरम्भ करो। करता हूँ। ओम स्वस्ति नारायण रो करो। निजमान क्या होगा? देखता हूँ। घबराओ नहीं, अपने पहलवान हैं। He has arrived, punctual। सीताराम,
आओ पहलवान आओ, ये तुम्हारा ही इंतजार था। भला बताओ मैं कैसा लगता हूँ? अभी बताता हूँ। थैंक यू। अरे अरे दरवाजा बंद करने की क्या आवश्यकता है? तुम आ गए हो, अब तो मैं लाला की छाती के ऊपर चढ़कर क्या करूँगा। धन्यवाद जो आप पधारे। अब खिलौना भी सुनो उसको खिलौने। इनसे किस बात का घूमट? ओपन इट। जरा शर्मा कैसी है? दाना पहलवान होशियार। कहा है लाला? बेशरम, किसी दिन के लिए सुना कुछ खिला खिला कर तुम्हें जवान दिया। पहले इनकी खबर ले लूं, फिर तेरी लेता हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज ओम भानुवे स्वाहा ओम चंद्रमसे स्वाहा ओम भूमये स्वाहा ओम भूमये स्वाहा ओम गये स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा ओम रहुए स्वाहा ओम केतुए स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा ओम राय स्वाहा ओम नय स्वाहा पंडित जी एकदम जल्दी करो। ओम सोमाय स्वाहा ओम वायवे स्वाहा ओम वर्माय स्वाहा ओम मदते स्वाहा ओम अग्ने स्वाहा ओम सूर्य स्वाहा ओम कृष्णगते स्वाहा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। राजकुमार आया? जी। अंदर भेजो। यस सर। जी सर, इसे देखिए। इस बिल के 2000 रुपए आपने कलेक्ट किए थे? जी नहीं। तो सोचकर जवाब दीजिए। इस पे मेरी सही नहीं है सर। लेकिन शाम एंड कंपनी के प्रोवाइडर का कहना है कि वो पेमेंट कर चुके हैं। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। वो झूठ बोलते हैं। झूठ वो नहीं, झूठ तुम बोलते हो। सच सच बताओ, नहीं तो मैं पुलिस और शाम एंड कंपनी के प्रोवाइडर दोनों को एक साथ बुलाता हूं। बोलो जल्दी। नहीं, नहीं, मैंने ही वसूल किए थे। कहां गए रुपए? जी खर्च हो गए। माफ कर दीजिए, मैं 2-4 दिनों में ही रुपयों का बंदोबस्त करके कंपनी में भर दूंगा। 2-4 दिनों में नहीं, 24 घंटे के अंदर 2000 रुपए इस टेबल के ऊपर आ जाना चाहिए, नहीं तो मैं ये केस पुलिस के हवाले कर दूंगा। लेकिन सर, तुम जा सकते हो। मेम साहब हैं घर में? जी। आपका नाम? वो मुझे नहीं जानती, पहली बार मिल रहा हूँ। कह दो दफ्तर से कोई आया है। बैठिए।
जी नमस्ते। नमस्ते, कौन है आप? जी मुझे राजकुमार कहते हैं, आपके पति मिस्टर रवि के ऑफिस में काम करता हूँ। इस वक्त वो घर पर नहीं है, दफ्तर में मिलेंगे। जी इसीलिए तो मैं यहाँ हाजिर हुआ, ताकि आपसे अकेले में मिल सकूँ। क्या मतलब? जी बात दरअसल ये है कि मैं इस वक्त सख्त मुसीबत में हूँ। अगर कल सुबह तक कंपनी का 2000 रुपया आपके पति के टेबल पे न रखूं, तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। तो मुझे इसे क्या, मैं क्या कर सकती हूँ? आप मुझे 2000 रुपया देकर मेरी परेशानी का इलाज कर सकती हैं। आप होश में तो हैं? मेरा आपका क्या वास्ता? मैं पूछती हूँ आपको आने की जरूरत कैसी हुई? तशरीफ ले जाइए। माफ कीजिए, मैं तो चारों तरफ से मायूस होकर आपके पास आया हूँ। यहाँ से मायूस होकर किसका दरवाजा खटखटाऊंगा? अजीब आदमी है आप, मैं कहती हूँ जाइए। सॉरी, यहाँ तक आना तो मेरे बस में था, लेकिन यहाँ से जाना सिर्फ आपके बस में। मालूम होता तुम शराफत के दौरान समझते ही नहीं। मैं अगर पुलिस को बुलाती हूँ। नंबर चाहिए क्या? ये रहा। क्यों, रॉन्ग नंबर है क्या? आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जिस तरह आपने सीमा की लाज बचाई थी, उसी तरह मेरी इज्जत भी बचाई। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने किए पे झूठ बनने के बदले उसकी कीमत वसूल करने आए हो? आप ऐसा क्यों समझती हैं? ये क्यों नहीं समझती कि एक शरीफ आदमी मुसीबत में आपसे कर्ज मांगने आया है? शरीफ आदमी? देर ना कीजिए, वरना मुझे कहीं और कैश कराना पड़ेगा। जल्दी कीजिए, कहीं मिस्टर रवि आ गए तो आपके लिए एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये लो, इसे कर्ज नहीं कीमत समझो, मगर एक शर्त है, फिर कभी इस घर का रुख नहीं करोगे। कैसी बात करती हैं आप, वो तो मजबूरी मुझे यहाँ खींच लाई थी, वरना मैं कोई ब्लैकमेलर तो नहीं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, मिस्टर रवि के तेवर जरा बदले हुए हैं, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, इसलिए आपको मेरी सिफारिश करनी होगी। हरगिज नहीं। आप जरूर करेंगी। नमस्ते। लेकिन मैं पूछता हूँ, तुमने उस फरेबी को इस घर में आने क्यों दिया? भला मैं क्या जानू वो कैसा आदमी है, बेचारा सिफारिश के लिए आया था, कहता था नौकरी चली गई तो मैं गरीब मारा जाऊंगा। गरीब? कंपनी में ऐसे दो चार गरीब और आ जाएं तो कंपनी का दिवाला पीट जाए। वो गरीब नहीं, परले दर्जे का बदमाश है, बदमाश। अगर वो अच्छा आदमी नहीं है तो फिर उसकी दुश्मनी मोल लेने से क्या फायदा? तो क्या तुम ये चाहती हो कि मैं उससे डर कर बुजदिलों की तरह अपने फर्ज से मुंह मोड़ लूं, कंपनी से गद्दारी करूं? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं, लेकिन फिर भी एक बार उसे माफ कर दीजिए तो क्या हर्ज है? तुम उसकी इतनी हिमायत क्यों कर रही हो? तुम्हें उससे क्या दिलचस्पी है? मुझे क्या दिलचस्पी होगी, वो तो उसकी मजबूरी पर तरस आ गया मुझे। क्या मेरी खातिर आप उसे माफ नहीं कर सकते? शील, मैं माफ करूं या सजा दूं ये मेरा काम है, दफ्तर के मामले में किसी का दखल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। गुड मॉर्निंग सर। तुम कल हमारे घर पर क्यों गए थे? जी मैं वहां रुपया मांगने तो नहीं गया था। फजूल बात मत करो, मैं पूछता हूँ तुम्हें वहां जाने की जरूरत कैसे हुई? जी मैं घबराया हुआ था, सोचा लेडीज रहम दिल होती हैं, सिफारिश हो जाएगी और एक शरीफ आदमी की नौकरी बनी रहेगी। मिस्टर राजकुमार, कंपनी अब तुम्हारी शराफत से और फायदा नहीं उठाना चाहती। जी यस, यू आर डिसमिस्ड। लेकिन जरा सोचिए तो। मैं हमेशा सोचकर ही फैसला करता हूँ। कहीं ऐसा ना हो
कि अब आपको फैसले के बाद सोचना पड़े। शट अप और कान खोलकर सुन लो, अगर फिर कभी तुमने मेरे घर में पांव रखा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। गेट आउट, आई से गेट आउट, गेट आउट, आई से गेट आउट। कमाल है, आपके पति मुझसे नाराज हैं, आप नाराज हैं, जरा सोचिए अगर मैं नाराज हो गया तो क्या होगा। तुम मुझे धमका रहे हो? जी नहीं, समझा रहा। आखिर मेरी बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती? मेरे पास जो रुपया था वो मैं तुम्हें दे चुकी हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, मैं जाकर पुरानी हवेली का दरवाजा खटखटाता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। इतना अत्याचार न करो, तुमने पहले कौन सा कम जुल्म उठाया है जो उस गरीब को और रुसवा करना चाहते हो? उसको रुसवाई से बचाना तुम्हारे हाथ में। यकीन करो, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। है? नहीं नहीं, ये सब मत लीजिए, ये मैं कभी नहीं दे सकती। ये मेरे पति की प्यार की निशानी है, उन्होंने मुझे बड़ी उम्र से पहनाया है। जेवर हमेशा उमंगे पहनाती हैं और मजबूरियां उतारती हैं। नहीं नहीं, सुनो, हेलो, आप जी हुजूर, शाम की पार्टी के लिए आपकी तैयारी पूरी हो गई? जी, लेकिन अभी मेरी तैयारी बाकी है। क्या तो फल होगा? जो आपको पसंद हो। लेकिन जनाब की पसंद भी तो जरूरी है। मेरी पसंद तो आप हैं। कोई खूबसूरत सी चीज दिखाइए प्रेजेंट के लिए। किस मौके के लिए चाहिए? शादी की सालगिरह के लिए, दीदी को तोहफा देना है। कोई स्पेशल डिजाइन दिखाइए। जरूर, आइए। ये देखिए साहब, ये कितना सुंदर है। सेठ जी, ये पॉलिश ठीक है ना? ठीक है, जरा दिखाइए तो। पुरानी चीज है, फिर भी दिखाइए तो सही। ये नेकलेस आपकी दुकान पर कैसे आया? क्यों, क्या बात है? दरअसल ये नेकलेस मुझे बहुत पसंद है, फिर भी मैं तसल्ली कर लेना चाहता हूँ कहीं ये चोरी का ना हो। कैसी बात करते हैं बाबूजी, हमारी दुकान पर ऐसा धंधा नहीं चलता। ये तो अभी अभी आपसे जरा पहले एक शरीफ आदमी बेच कर गए हैं। ये देखिए, राजकुमार लिखा हुआ है ना, और इस पर भी आग खुदा हुआ है। अब तो कोई शक नहीं रहा जनाब? नहीं, अब कोई शक नहीं रहा। आप इसे पैक कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, इतनी देर कहाँ लगा जी? मेरा तो दिल घबरा रहा था। अजीब होता औरत का दिल भी, कभी बड़ी बड़ी बातों की परवाह नहीं करता और कभी छोटी छोटी बातों से घबराने लगता। बहुत खूब, मुत्तई सुस्त, गवाह चुस्त, मेहमान हाजिर, होस्ट गायब। भाई देरी के लिए माफी चाहता हूँ, कुछ बात ही ऐसे हो गई। नेवर माइंड, आपकी कसम जीजा जी, आपके बिना पार्टी ऐसी लग रही थी जैसे दूल्हा के बिना बारात। अरे भाई, दूल्हा तो पुराना हो गया। छोड़िए छोड़िए जीजा जी, शर्माइए मत, ऐसी बात होती तो दीदी के लिए ये तोहफा ना लाते। देखो तो, पसंद है ना? प्यार हो तो ऐसा हो, शादी पुरानी हो गई मगर प्यार का रंग अभी वही है, और एक तुम हो। भाई भाई, आई एम परफेक्ट प्रेमी। अब हो जाए इसी खुशी में एक गाना। जरूर जरूर जरूर। नहीं नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, मैं गा ना सकूंगी। अरे ऐसे मौके पर नहीं गाओगे तो कब गाओगे? कम ऑन, दैट्स द स्पिरिट, प्लीज। Thank you.
बदली है जमाने की नजर देखिए क्या हो, बदली है जमाने की नजर देखिए क्या हो, होना तो है कुछ आज मगर देखिए क्या हो, होना तो है कुछ आज मगर देखिए क्या हो, बदली है जमाने की नजर। ये रात तो दिलकश थी, बड़े खुश थे सितारे, तुम पास हमारे थे तो हम पास तुम्हारे, अब आई है नजदीक सहर देखिए क्या हो, होना तो है कुछ आज मगर देखिए क्या हो, होना तो है कुछ आज मगर देखिए क्या हो, बदली है जमाने की नजर। ये कश्ती चली जाती थी बादों के सहारे, सोचा था पहुँच जाएंगे एक रोज किनारे, पर सामने आया है भवन देखिए क्या हो, होना तो है कुछ आज मगर देखिए क्या हो, होना तो है कुछ आज मगर देखिए क्या हो, बदली है जमाने की नजर। मुश्किल में सभी लेते हैं उस दर पे सदाए, सुनते हैं कि सुनता है खुदा सबकी दुआए, पर अपनी दुआओं का सब देखिए क्या हो, होना तो है कुछ आज मगर देखिए क्या हो, होना तो है कुछ आज मगर देखिए क्या हो, बदली है जमाने की नजर। वाह भाई वाह, आज तो मजा आ गया। ला जाओ आप खाना और खाने से बर्कर गए। गुड नाइट। अच्छा गुड नाइट। गुड नाइट भाई। जीजा जी, मेरी एक छोटी सी दरखास्त है, तुम लोग शादी के सालगिरह हर रोज मनाया करो, कम से कम हमारा राशन तो बचेगा। ठीक है। सॉरी। गुड नाइट। गुड नाइट। सुनिए, ये निकलेस आपको कहां से मिला? जहां ये पहुंचा था पैराडाइज ज्वेलर से, मगर ये वहां पहुंचा कैसे? जी मैं ले गई थी, बात दरअसल यह है कि मेरी एक सहेली सख्त मुसीबत में थी जिसके लिए मुझे निकलेस बेचना पड़ा। सहेली? जी
लेकिन मुझसे क्यों नहीं कहा? इसमें छुपाने की क्या बात थी? जी वो ये नेकलेस आपने बहुत उमंगों से पहनाया था ना, मुझे डर था कहीं आप बुरे ना माने। इसमें बुरा मानने की क्या बात है, आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। किसी सहेली की मदद करना तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। सोच क्या रही है, कब तक अपने पति को अंधेरे में रखेगी? अपने जीवन साथी से झूठ बोलना पाप है, बता दे उनको सब कुछ, बता दे, बता दे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। सीमा तुम जानती हो इस दुनिया में तुम्हारे भैया ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं उन्हीं की सौगंध खा के तुम्हें वचन देती हूँ कि ये बात कभी भूले से उन तक भी नहीं पहुँचेगी। जब तक मैं जिंदा रहूंगी ये राज मेरे सीने में दफन रहेगा। जरा सोचो, हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा क्या मतलब है, मैं तुम लोगों को इतना सस्ता छोड़ दूं? वो जाकर अपनी दुनिया आबाद करे और मैं भिखारियों की तरह दर दर की ठोकरें खाता फिरूं। मैं अकेला नहीं, तुम सबको साथ लेकर बर्बाद हूंगा। अपने रास्ते में इतने कांटे ना हो कि तुम्हारा दो कदम चलना मुश्किल हो जाए। मैं कांटे वाटे कुछ नहीं जानता, मैं तो अपना और सीमा का हिसाब चुकता करने आया हूँ। मुझे अभी इसी वक्त पैसा चाहिए, नहीं तो शादी की शहनाइयां मातम की चीखों में बदल जाएगी। मालूम होता है तुम्हारे पहलू में इंसान का नहीं भेड़िए का दिल है। मैं कहती हूँ डरो, भगवान से डरो। अगर तुम किसी बेबस को सताओगे, किसी बेकस की आह लोगे तो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। माफ तो मैं तुम्हें नहीं करूंगा, बर्बाद तो तुमने मुझे किया है। अगर तुम मेरे रास्ते में ना आती तो क्या मैं आज एक लखपति घर का दामाद ना होता? मेरे पास मोटर ना होती, बंगला ना होता, क्या कुछ ना होता मेरे पास? मुझे पैसा चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे पैसा चाहिए, नहीं तो मैं अभी अपने बच्चे को शादी के मंडप में ले जाऊंगा और मुंह मांगी रकम वसूल करूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। याद करो तुमने क्या वादा किया था, सब कुछ लूट लेने के बाद अब अपने वायदे से हट रहे हो। ऐसा न करो, भगवान के लिए ऐसा न करो। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। बदमाश, तुझे मेरे घर में आने की जुरत कैसे हुई? ये अपनी बीवी से पूछो, क्या मैं अपने बच्चे को देखने नहीं आ सकता? राज, ये तुम्हारा बच्चा नहीं मेरा बच्चा है, इसकी जगह में तुम्हारा खून नहीं मेरा खून है। पीछे हट बेशरम। यू स्काउंडल। इसलिए इस बदमाश की सिफारिश कर रही थी, इसी सहेली की मदद करने के लिए तूने नेकलेस बेचा था। डर मत,
मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुझे इतने बड़े गुनाह के बदले मौत की मामूली सजा मिले। मैं तुझे जिंदा रखूंगा ताकि तू जिंदगी भर तड़पती रहे और तेरे करतूत सुनकर लोग तुझ पर लानत भेजे, दुनिया तुझ पर थूके। सीमा गजब हो गए सीमा, रवि भैया ने राजकुमार का खून कर दिया। राजकुमार का खून? भैया भैया माँ जी, रवि भैया ने खून कर दिया। का क्या होगा? धीरज रखिए माता जी, उस पर भरोसा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बच्ची? दिमाग पर बहुत गहरी चोट आई। सीमा, मेरी बच्ची है जी। इस वक्त उससे मिलना बेकार है, वो किसी को पहचान नहीं सकती। डॉक्टर, मगर घबराने की कोई बात नहीं, ईश्वर ने चाहा कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन इतना ख्याल रहे, उसके सामने कोई ऐसी बात न की जाए जिससे उसके दिलो दिमाग पर बुरा असर पड़े। जी, और ये इंजेक्शन फौरन ले आइए। आप वहां चलिए, मैं आता हूं। रवि बेटा, क्या इसीलिए घर से रूट कर आया था कि अपनी विधवा माँ को इन सलाखों के पीछे से सूरत दिखाए? मैं तुझे उसी वक्त रोक लेती तो आज ये दिन क्यों देखना पड़ता, क्यों देखना पड़ता? माँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम मेरे लिए आंसू बहाओ। भूल जाओ कि तुमने मुझे जन्म दिया था। कैसे भूल जाओ? मैं माँ हूँ, माँ की आत्मा मरने के बाद भी अपनी औलाद के लिए तड़पती रहती है। तुम मेरे लिए इतना क्यों दुखी हो माँ, जिसने खानदान की इज्जत को एक आवारा औरत की खातिर लुटा दिया, जिसने तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल दी। मैं खूनी हूँ और एक खूनी तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। तुम खूनी नहीं हो, लुटने वाला लुटेरा नहीं होता। जुल्म तुम पर हुआ है, मैं खुद को मिटा कर भी तुम्हारी खोई हुई मुस्कुराहट वापस दिलवाऊंगी।
हजार बार कहने के लिए तैयार हूं कि मैंने उस बदमाश का खून किया है, लेकिन 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 इंसाफ से अगर देखा जाए तो उस बदमाश का कातिल मैं नहीं, वो बेवफा दलील औरत है जो बदनसीब से मेरी बीवी कहलाती है। आजा आजा, जिसने मेरी मोहब्बत को ठुकराया, मुझे धोखा दिया। नहीं चाहिए मुझे जिंदगी, मुझे मौत की सजा दीजिए। मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। Wonderful acting. रवि प्लीज। मिस्टर रवि, कानूनी कार्रवाई में जज्बाती मदाखलत मत कीजिए। आपको सजा मिलनी चाहिए या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। कार्रवाई जाने मीदार और मेंबराने ज्यूरी, हमेशा यही देखा गया है कि मुल्जिम अपने जुर्म की शिद्दत को कम करने के लिए कोई ना कोई कहानी घड़ लेता है, लेकिन आज तक किसी मुल्जिम को ऐसी शर्मनाक कहानी घड़ते नहीं सुना जहां मुल्जिम अपने बचाव की खातिर अपनी देवी समान पत्नी की लाज दांव पर लगा दे। मुल्जिम का यह कहना कि उसने अपनी बीवी को मकतूल की बाहों में देखकर इश्तियाल में खून किया है, सरासर झूठ और बेबुनियाद बात। दिन को रात और रात को दिन साबित करना शायद मुमकिन हो, लेकिन एक देवी समान पाक दामन औरत को पतिता साबित करना नामुमकिन है। इट इज इम्पॉसिबल। यो आना, मैं इस नाखुशगवार हकीकत को साबित करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है? मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि श्रीमती सुशीला देवी को फिटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। सुशीला देवी, मकतूल राजकुमार से आपका क्या ताल्लुक था? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। क्या ये सच है कि आपने राजकुमार को 2000 रुपया दिया था? जी हाँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इतनी बड़ी रकम आपने एक ऐसे शख्स को जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं था कैसे उठाकर दे दी? मदद के तौर पर, क्योंकि वो मुसीबत में था। क्या इससे पहले भी आपने किसी मुसीबत अदा की इतनी बड़ी मदद की थी? जी नहीं। क्या ये सच है कि आपने अपने पति से राजकुमार की नौकरी बरकरार रखने की पुरजोर सिफारिश की थी? जी हाँ। और वो भी अपने पति से जानने के बाद कि राजकुमार एक आवारा और बदनाम शख्स है, क्या आप इसकी वजह बता सकती हैं? वजह? वो गरीब आदमी था। क्या आपने अपने गले का नेकलेस भी उस गरीब आदमी को दे दिया था? जी। क्या आपने अपने पति के प्यार की निशानी भी राजकुमार को
मदद के तौर पर दी थी। जी हाँ मिलॉर्ड, ये पॉइंट नोट किया जाए। हाँ तो क्या आपने अपने पति के पूछने पर यह झूठ बोला था कि आपने वो नेकलेस अपनी एक सहेली की खातिर बेचा है? जवाब दीजिए, झूठ बोला था ना? जी। एक ऐसे शख्स के लिए जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं था, आपका अपने पति को धोखे में रखना, उसके आगे झूठ बोलना, क्या ये महज एक इंसानी हमदर्दी और मदद के तौर पर था? जी ये झूठ है। जिस जज्बे के तहत आपने उसकी मदद की थी वह हमदर्दी नहीं बल्कि इश्क था, जिसका शर्मनाक मजारा आपके पति ने उस वक्त देखा जबकि आप मकतूल की बाहों में झूल रही थी। और इसका सबूत आपकी गोद में खेलने वाला वो बच्चा है जिसकी रगों में मकतूल का खून गर्दिश कर रहा है। कहीं सच नहीं तो ही क्या ये सच नहीं? मैं अपने सवाल का जवाब हाँ या ना मैं चाहता हूं, जवाब दीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी खामोशी से अदालत किसी भी नतीजे पर पहुंच सकती है। आप जा सकते हैं। मिलॉर्ड एंड मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी, इंसानी फितरत का गहरा मुताला करने वालों का इस बात पर इत्तफाक है कि इंसान गुनाह से नहीं बल्कि इल्जाम गुनाह से डरता है, और बिल्कुल यही सूरत मुलजिम की बीवी की है। वरना जरा अंदाजा कीजिए कि वो औरत जिसने इससे पहले कभी किसी की कोई मदद ना की हो, उसके दिल में एक आवारा अजनबी शख्स के लिए अचानक ऐसे हमदर्दी कैसे जाग पड़ी कि उसने रुपए के अलावा अपने पति के प्यार की निशानी और नेकलेस भी उस पर निछावर कर दिया। कोई भी जीहोश इंसान इस बात को तस्लीम नहीं कर सकता कि एक औरत इतनी बड़ी कुर्बानी महज इंसानी हमदर्दी के लिए कर सकती है, और वो भी अपने शौहर से छुपाकर। मिलॉर्ड केस बिल्कुल सीधा और साफ है। मकतूल की नौकरी के लिए मुल्जिम की बीवी का अपने पति से पुरजोर सिफारिश करना और उसके साथ साथ अपने पति के खून पसीने की कमाई को मकतूल पर लुटाना, और अब बच्चे के सवाल पर अदालत में उसकी खामोशी इख्तियार करना, इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि मकतूल के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात थे। अब जरा इस हकीकत को सामने रखकर सोचिए कि वो शख्स जिसने अपनी बीवी की खातिर अपने खानदान और तमाम रिश्तेदारों की बुराई मोल ली हो और आखिर में लाखों रुपए की जायदाद को भी ठुकरा दिया हो, जब वो शख्स अपनी उस बीवी को अपनी आंखों से किसी गैर के बाजुओं में देख ले तो उसके दिलो दिमाग पर क्या गुजरेगी? क्या उसका खून खौल नहीं उठेगा? उस पर दीवानगी तारी नहीं हो जाएगी? बिल्कुल यही सूरत इस मजलूम के साथ पेश आई, और इसी इश्तियाल और दीवानगी के आलम में इसके हाथ से गोली चल गई। मिलॉर्ड दिस इज अ केस विच इज गवर्न बाय एक्सेप्शन 1 टू सेक्शन 300 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, दैट इज द केस ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। लिहाजा अगर इंसाफ से देखा जाए तो मेरा मुवक्किल सजा का नहीं बल्कि हमदर्दी का मुस्तहिक है। मिलॉर्ड मुझे मुलजिम से तो नहीं लेकिन अपने फाजिल दोस्त से जरूर हमदर्दी है, जिन्होंने रेत की बुनियाद पर एक महल खड़ा करने की कोशिश की है। इस महल को मिसमार करने के लिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुझे कुछ अहम गवाह पेश करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है? जी, मैं शील बहन को बचपन से जानता हूं और दावे से कह सकता हूं कि जहां तक कैरेक्टर का सवाल है शील बहन सीता और सावित्री से कम नहीं। अपनी मालकिन के बारे में तुम्हारी क्या राय है? उन जैसी शरीफ और रहमदिल औरत मैंने आज तक नहीं देखी। मकतूल राजकुमार को तुम कब से जानती हो? मैंने उसे पहली बार उस दिन देखा था जब वो मालकिन से मिलने आया था, मैंने ही दरवाजा खोला था। फिर उसने कहा मुझे सुशीला देवी से मिलना है, मैंने नाम पूछा तो कहने लगा वो मुझे नहीं जानती, उनसे कह दो दफ्तर से कोई आदमी मिलने आया है। ये पॉइंट नोट फरमाया जाए, तुम जा सकती। फिर क्या हुआ? राजकुमार को मिस्टर रवि ने डिसमिस कर दिया और कहा फिर कभी तुमने मेरे घर में कदम रखा मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। दैट्स ऑल। मी लॉर्ड एंड मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी, मेरे फाजिल दोस्त ने अपने मुवक्किल की जान बचाने के लिए जिस झूठी कहानी को
حقیقت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اس کا بھرم ان گواہوں نے کھول دیا اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ملزم کی بیوی ایکارہ کریکٹر کی مالک اور آدرش بیوی ہے. اب رہا ملزم کی بیوی کا مقتول کو روپیہ اور زیور دینے کا سوال. شاید میرے دوست کو معلوم نہیں کہ ملزم کی بیوی ایک ریفیوجی ڈاکٹر کی بیٹی ہے جس نے خود مصیبت اٹھائی, جو مصیبت کے معنی جانتی ہے. اس کا ایک مصیبت زدہ سے ہمدردی کرنا کوئی غیر قدرتی بات نہ تھی. اس مدد کے سلسلے میں میرے دوست نے نیکلس پر خاص طور سے زور دیا ہے کہ وہ ان کے پتی کے پیار کی نشانی تھی. شاید میرے دوست کو یہ معلوم نہیں کہ عورت کی سب سے عزیز چیز پتی کے پیار کی نشانی نہیں بلکہ خود اس کا پتی ہوتا ہے. اور سچ پوچھئے تو ملزم کی بیوی نے اپنے پتی کو اس غریب کی آہ سے بچانے کے لیے وہ نیکلس مقتول کو دیا تھا جس کو بے روزگار کرنے کا ذمہ دار اس کا پتی تھا. اب رہا بچے کے سوال پر ملزم کی بیوی کا خاموش رہنا. ذرا سوچئے ایسے شرمناک سوال کے جواب میں ایک شریف عورت خاموشی اختیار کرنے کے سوا کر ہی کیا سکتی تھی. اور پھر وہ خاموشی دراصل ایک طنز تھی. اس طنز آمیز خاموشی کا سبب بتانے کے لیے میں عدالت کو ملزم کی نوکرانی کی گواہی یاد دلانا چاہتا ہوں جس کے بیان کے مطابق مقتول جب پہلی بار سشیلا دیوی سے ملنے آیا تو بچہ سشیلا دیوی کی گود میں تھا. عجیب بات ہے میلارڈ کہ باپ بعد میں آیا اور بچہ ماں کی گود میں پہلے پہنچ جائے. آخر بچہ کو لفافہ یا منی آرڈر تو نہیں جو ڈاک کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکے. ایسی مثال میرے فاضل دوست نے کہیں دیکھی ہو تو اور بات ہے, لیکن دنیا میں کسی اور نے نہیں دیکھی. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ناجائز تعلقات کو درکنار, میرے فاضل دوست اگر ایک بھی ایسا گواہ پیش کر دے صرف ہے جس نے اس دن سے پہلے مقتول راج کمار اور سشیلا دیوی کو کہیں ایک ساتھ ملتے جلتے اٹھتے بیٹھتے گھومتے پھرتے تک دیکھا ہو, تو میں خود عدالت سے درخواست کروں گا کہ ملزم اور میرے فاضل دوست کے بیان کو ہر با ہر درست مانا جائے. ظاہر ہے کہ ملزم نے اپنی بیوی پر بد چلنی کا جو الزام لگایا تھا وہ سراسر جھوٹ تھا. لہذا میرے دوست کے اس دعوے کی بھی دھجیاں اڑ چکی ہیں کہ ملزم نے مقتول اور اپنی بیوی کو قابل اعتراض حالت میں دیکھا اور اشتعال میں آ کے گولی چلا دی. لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس, دفتر کے ہیڈ کلرک مسٹر گپتا کی گواہی سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ملزم نے قتل سے پہلے ہی قتل کا ارادہ کر لیا تھا, اور جب اس نے مقتول کو اپنے گھر پایا تو یہ گوارا نہ کر سکا کہ ایک معمولی کلرک جس کو اس نے ڈسمس کر دیا تھا منع کرنے کے باوجود بھی اس کے گھر میں قدم رکھے. اس پر احساس برتری کی دیوان کی تعریف ہو گئی اور دولت کے نشے میں اندھا ہو کر اس نے دیدہ دانستہ انتہائی بے دردی کے ساتھ ایک بے گناہ نوجوان کا خون بہا دیا, ایک غریب گھر کو بے چارہ کر دیا. ایسا شخص ہر کس حد ذہن کا مستحق نہیں ہو سکتا. میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ ملزم کو قتل عمد کا مجرم قرار دیتے ہوئے زیر دفعہ 302 تعزیرات ہند کی روح سے سزائے موت کا حکم صادر فرمایا جائے. کیا بات ہے, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کیا؟ بولیے. بولیے, بھگوان کے لیے بولیے, ورنہ وہ زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی جس پر کبھی دن رات آدمی کا نام رہتا تھا. وہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بے نور ہو جائیں گی جنہوں نے کبھی آپ کو پیار سے دیکھا تھا. Thank you.
मैं अदालत से शील देवी का दोबारा बयान लेने की इजाजत चाहता हूँ। आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड, केस हर मरहले से गुजर कर अब फैसले की स्टेज तक आ पहुंचा है, इसलिए कानून किसी गवाह के दोबारा बयान की इजाजत नहीं देता। मेरे बुजुर्ग दोस्त को मालूम होना चाहिए कि इंसान कानून के लिए नहीं बना बल्कि कानून इंसान के लिए बना है। मैं इंसानी जिंदगी के नाम पर अदालत से फिर दरख्वास्त करता हूं कि मुझे इजाजत दी जाए। आमतौर पर ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन खास हालात के पेश नजर आपको इजाजत दी जाती है। थैंक यू मिलॉर्ड। आई शील आप क्या कहना चाहती? जो पहले नहीं कह सकी। लेकिन कुछ कहने से पहले इतना सोच लीजिए कि बयान बदलने के जुर्म में अदालत गवाह को सजा भी दे सकती है। लेकिन जो सजा इस वक्त मेरी आत्मा मुझे दे रही है उससे बड़ी सजा दुनिया की कोई अदालत नहीं दे सकती। मैं ये गवारा नहीं कर सकती कि मेरी और सिर्फ मेरी वजह से किसी कोई आंच आए। तो फिर आपने पहले क्यों खामोशी अख्तियार की थी? क्योंकि पहले मैं अपनी इज्जत को अपना फर्ज और धर्म से ज्यादा अजीज समझती थी। मुझे खुशी है कि आपने अपने जमीर की आवाज सुन ली। अब आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए। दिल पर नहीं, गीता पर हाथ रखकर कहिए। हाँ हाँ, गीता पर हाथ रखकर कहिए। हाँ, तो क्या यह सच है कि आपकी गोद में खेलने वाले बच्चे के रगों में आपके पति का नहीं बल्कि मकतूर राजकुमार का खून गर्दिश कर रहा है? जी। तो इसका मतलब यह हुआ कि मकतूर राजकुमार से आपका नाजायज ताल्लुक था? जी। तो आप यह भी मानती हैं मकतूल राजकुमार की जो आपने मारी इमदाद की थी उसकी वजह इंसानी हमदर्दी नहीं बल्कि मोहब्बत थी? जी। तो आप ये तस्लीम करती हैं कि आपके पति ने इश्तियाल में आकर राजकुमार पर उस वक्त गोली चलाई जब आप उसके बाजुओं में झूल रही थी? और अदालत को ज्यूरी की राय से पूरा पूरा इत्तफाक है कि ये कत्ल कत्लेआम नहीं बल्कि उस फौरी इश्ताल का नतीजा है जो मुलजिम रवि कुमार के दिल में अपनी बीवी को मकतूल के साथ काबिल एतराज हालत में देखकर पैदा हुआ। ऐसे हालात में एक गैरतमंद शौहर का दिमागी तवाजुन खो बैठना कोई गैर कुदरती बात नहीं है। फिर भी किसी शख्स को यह हक नहीं पहुंचता कि वो कानून को अपने हाथ में ले, लिहाजा मुलजिम सजा का मुस्तहिक है। लेकिन इस बदनसीब शख्स ने जिसे बीवी की बेवफाई और खानदान की बदनामी के सदमों के सिवा कुछ नसीब नहीं हुआ, मुकदमे के दौरान में जिस रूहानी और जहनी अजियत और इस्तराब का सामना किया वो सजा अपनी जगह कुछ कम नहीं। इन हालात में अदालत की राय है कि मुलजिम इंसाफ की नजरों में सजा के साथ साथ रहम का भी मुस्तहिक है, लिहाजा अदालत अपने खास इख्तियारात से काम लेते हुए जेर दफा 304 ताजीरात हिंद की रूह से यह सादर करती है कि मुलजिम रवि कुमार को मुजरिम समझते हुए उसकी नजरबंदी की मुद्दत को सजाए कैद तसव्वुर कर उसे आज अदालत के बर्खास्त होने के साथ ही रिहा किया जाए। चलिए, आपके घूमने का टाइम हो गया, चलिए। आप हंसने बोलने की कोशिश करेंगी तो बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी। सीमा, सीमा, देखो बेटी कौन आया? तुम्हारे भैया आए, मेरा लाल वापस आ गया है। देखो ना बेटी, तुम्हारा भाई आया, अब ये हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। माँ जी, रवि भैया, शील दीदी का कहीं पता नहीं चल रहा है, ना जाने वो कहाँ चली गई। तो हम क्या करें? मुन्ना छत से गिर गया है, वो अस्पताल में पड़ा है, जल्दी चलिए। हम क्यों जाएं, हमारा क्या वास्ता?
ऐसा ना कहिए माँ जी, माँ के बाद आप लोग सब कुछ है उसके। हाँ, कुछ नहीं है उसके, चले जाओ यहाँ से। वक्त के साथ आप लोगों ने भी उस मासूम से आंखें फेर ली। वो लावारिसों की तरह अस्पताल में पड़ा है, होश में आता है तो माँ माँ पुकारता है। कहाँ से लाकर दूँ उसे माँ, जो उसे अपने कलेजे से लगा सके, उसके दर्द को अपने सीने में छुपा सके। शायद उस बदनसीब की किस्मत में माँ का प्यार लिखा ही नहीं। सीमा, क्या हो गया? हमारा उससे क्या बात? चलो नहीं, छोड़ मत बचाइए। डॉक्टर कैसा है मुन्ना? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे दे चलिए उसके पास। मैं सबको अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता, सिर्फ बच्चे की माँ अंदर आ सकती। डॉक्टर, मैं हूँ बच्चे की माँ। भाभी नहीं, भाभी अब पानी सिर से ऊंचा हो चुका है। बंसी ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं ये कलंक का तुम्हारे माथे पर नहीं रहने दूंगी। सीमा भगवान तुम चुप, आज मैं चुप नहीं रहूंगी भाभी, नहीं रहूंगी। डॉक्टर साहब, बच्चे की माँ ये नहीं मैं। क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ भैया, भाभी निर्दोष है। राजकुमार से भाभी का नहीं बल्कि मेरा। खामोश, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मार डालो भैया, मार डालो, मुझे जान से मार डालो। मैं इसे लायक तो पैदा होते ही मार डालना चाहिए। उसके मुंह पर काली मलने से पहले तो मर जाऊंगी। क्यों नहीं खा लिया? दूर हो जा मेरी नजरों से, निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। माँ जी, एक भूल के बाद अब दूसरी भूल तो ना कीजिए। यह अभागत घृणा की नहीं दया की पात्र है। नहीं, इस कलंकिनी की तो छाया भी किसी पर नहीं पड़नी चाहिए। अब इसके लिए था अब समाज दोनों के दरवाजे बंद। इसलिए कि बिचारी एक औरत है, अजीब है समाज का कानून। मर्द जो चाहे करे उसके लिए घर और समाज दोनों के दरवाजे खुले हैं। लेकिन एक औरत चाहे मर्द ही के विश्वासघात का शिकार क्यों ना हो, उसके लिए हर दरवाजा बंद। वो बिचारी या तो मौत का दरवाजा खटखटाए, या वो दरवाजा जहाँ औरत की किस्मत बिकती है, उसकी इज्जत सरी बाजार नीलाम होती है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ माँ जी, सच्चाई के जहर को पीना ही पड़ेगा। फैसला कीजिए, आप इसे जीने का अधिकार देना चाहती हैं या इसे बिकने के लिए बाजार में भेजना चाहती हैं? बोलिए, चुप क्यों है? तुम ही बताओ बहू, कौन पकड़ेगा इस बदनसीब का हाथ? कौन अपनाएगा इस अभागन को? मैं अपनाऊंगा सीमा को। शिखर बेटा, तुम? हाँ माँ जी, सीमा ने कोई गुनाह नहीं किया, उसे तो सिर्फ एक भूल हुई है। जब उसने किसी पर विश्वास किया, क्या हम इतनी सी भूल के लिए किसी से उसके जीने का अधिकार छीन सकते हैं? मैं पूछता हूँ, दुनिया में ऐसा कौन इंसान है जो अपने सीने पर हाथ रखकर यह कह सके कि उसने जिंदगी में कभी कोई भूल नहीं की? बेटा तुम बहुत महान हो। महान मैं नहीं, ये देवी जिससे मैंने त्याग और बलिदान का सबक सीखा, जिसने इस खानदान की इज्जत और अपने सुहाग को बचाने के लिए भरी अदालत ने अपने लाश पर बट्टा लगा लिया। मुबारक हो, बच्चा खतरे से बाहर है। आप लोग इसे यहां रखेंगे या घर ले जाएंगे? घर ले जाएंगे। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। चलो सीमा।